गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, आप लोगों का बैच कौन सा? T01 है। बैच वन है ना आप लोगों का? एक बात मुझे बता दो, T01 बैच है। एम आई ऑडिबल मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? एक बार मुझे बता दो जल्दी से सब कुछ। स्क्रीन क्लियर है आपको? स्क्रीन विजिबल है? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके चलो जी। और ये भी मुझे बता दो कि आप लोग का बैच वन है ना, T01 है ना बैच? एक मिनट, हाँ जी आप बताओ। T01 बैच है आपका? बता दे कि आपका जो बैच है T01 बैच है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार मुझे ये बता दो कि आपके क्लास में कहाँ तक हो गए हैं, ये मुझे बताओ, जल्दी से बता दो। ठीक है आप? ठीक है, ड्रीम कॉलेज में J3 बैच, ये B01 नहीं है क्या? तो बैच वन है ना B01? नजर तो कौन सा है? B23 है। सक्षम है सर। अच्छा चलो जी, कोई बात नहीं, जो भी बैच है। ये मुझे बताओ कि आपके क्लास में कहाँ तक हो गया, टॉपिक कहाँ तक हो गया, मैथ्स में पार्टिकुलर, मतलब हर्षित सर ने कहाँ तक करवा दिया होगा? हाँ जी, ये कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या कि? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, ये मुझे बता दो जल्दी से कि आपका जो टॉपिक है वो मैथ्स में कहाँ तक हो गया, मतलब ITF स्टार्ट हो चुका है आपके क्लास में? ITF स्टार्ट हो चुका है, यस इन्वेस्टिगेटिव मेडिकल। हाँ तो वो ये मुझे बता दो कि कहाँ तक सर ने करवा दिया, ये मुझे बता दो, मतलब लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? इन्वेस्टिगेटिव मेडिकल फंक्शन में सीरीज वाला प्रॉब्लम करवा दिया सर ने, करवा दिया था क्या? सीरीज वाला प्रॉब्लम करवा दिया था? यस ओके, सारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए थे वहां पे। जैसे ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास जो आज का टॉपिक है इन्वेस्टिगेटिव मेडिकल फंक्शंस में समेशन ऑफ सीरीज वाला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन सर ने डिस्कस कर लिया था क्या, या अभी करना बाकी बाकी है? ओके, मैं यही आपसे कंफर्मेशन चाह रहा हूँ। तो मुझे आप ये बता दो कि बाकी बाकी है ना, तो लास्ट क्लास में क्या करवाया था, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ने क्या करवाया था लास्ट क्लास में, मतलब टॉपिक क्या था, ये मुझे बता दो जल्दी से। सर प्रॉपर्टीज करवाने से उसके क्वेश्चंस करवाए। ओके चलो जी, कोई बात नहीं। तो आई थिंक आप लोगों के साथ मेरी क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, आज से 2 हफ्ते पहले हुई थी कुछ क्लास, जिसमें हम लोग रेंज यस वगैरह सर। डिस्कस कर रहे। ओके चलो जी, हाँ तो ठीक है।
रेंज वगैरह आई होप आप लोगों को निकालने आ गया होगा। ठीक है चलो, खैर वो तो मतलब मेरे पास टाइम मिला नहीं फिर उसके बाद कि मैं आपकी क्लास दे पाती। और अभी फिलहाल के लिए तो ITF हम लोग, आप लोगों ने ITF वगैरह सब कुछ पढ़ ही लिया हुआ है, तो अभी हम उसके बारे में बात डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे सीरीज वाला प्रॉब्लम देखो, देखो सीरीज वाले प्रॉब्लम में क्या होता है कि जैसे हमारे पास आपको ये देखो सीरीज वाला प्रॉब्लम है हमारे पास, तो सीरीज में बेसिकली जो ITF में मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के सीरीज वाले प्रॉब्लम हमें जो यूज करना पड़ता है सीरीज प्रॉब्लम्स या सीरीज प्रॉब्लम्स, तो इसमें हमें यूज करना पड़ता है डिफरेंस मेथड। ठीक है आई होप आप लोगों ने डिफरेंस मेथड पढ़ा होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर डिफरेंस मेथड। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे बता दो, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है तो डिफरेंस मेथड जो है मतलब डिफरेंस मेथड होता क्या है, जैसे सबसे पहला काम तो देखो दो तीन बातें याद रखनी है आपको, तो सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया बताया था इस इसी क्लास में बताया होगा कि आपको एक तो ट्रिगो पे कमांड करना है अच्छे से, ठीक है फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कमांड करना है अच्छे से, ठीक है फिर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पे कमांड करना है अच्छे से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आगे नहीं आया, ये चैप्टर हर जगह यूज होगा, हर जगह पूरे जेई में यूज होगा, ये हर जगह यूज होगा, ये हर जगह यूज, ठीक है। और मतलब ये तीन तो हमें अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है तो उसी में एक चैप्टर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम जो है वो हर जगह पे यूज होगा, सीक्वेंस में आप लोगों ने वहां पे भी पी जी पी एच डी ए सब पढ़ा होगा। ठीक है तो हम थोड़ा सा उसको भी रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, बाद में मैं यहाँ पे डिफरेंस मैटर कैसे लगाते कैसे वो उस पर मैं आऊंगा। ठीक है डिफरेंस मैटर हम लगाते कैसे, बाकी ये है कि सबसे पहले देखो ध्यान से थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज पे चलते हैं। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या होता है कि एस एन, एस एन बराबर होता है टी वन प्लस टी टू प्लस टी और टी एन, मतलब टी वन को ऐड किया मतलब टी वन लिया, टी टू लिया, टी थ्री लिया, टी फोर लिया, टी फाइव लिया और टी एन लिया, एन टर्म्स में सबको ऐड करते हैं तो वो मुझे क्या देगा एस एन देगा। मतलब या तो ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखा पूरा, या फिर इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी होता है, मतलब शॉर्टकट हम जनरली यही प्रेफर करते हैं, ये नोटेशन था सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको सिग्मा, और ये आर इज इक्वल टू वन से लेकर के एन तक जाता है और इसको हम बोलते हैं टी आर। ऐसे लिखने का फायदा क्या मिला मेरे को कि इतना बड़ा ना लिखना पड़े मेरे को, तो इतने से काम चल गया। इसमें क्या हो रहा है सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है कि जैसे अगर तुमने यहाँ पे आर का वैल्यू वन रखा तो टी वन आ जाएगा, आर का वैल्यू टू रखा तो टी टू आ जाएगा, आर का वैल्यू तीन रखा तो टी थ्री आ जाएगा, ऐसे करते करते आर का वैल्यू एन रखा तो टी एन, सही है। और सिग्मा लगा हुआ तो प्लस 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 साइन लेंगे। अच्छा यहीं पर मैं तुमको यही बताया था, जैसे अगर मान लो यहीं पर ऐसे लिखा है फाइव, ठीक है पाई आर इज इक्वल टू वन से लेकर के एन तक लिखा है और यहाँ पे टी आर लिखा है, इससे क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक बार आर का वैल्यू वन रखा, एक बार आर का वैल्यू टू रखा, एक बार आर का वैल्यू तीन रखा और ऐसे करते करते कहाँ तक चले गए एन तक चले गए टी एन। तो अगर सिग्मा है तो सम लगाएंगे टी वन टी टू टी थ्री के बीच में, अगर पाई है तो पाई का मतलब डॉट, डॉट मतलब प्रोडक्ट, तो इसका मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा, इन सबका प्रोडक्ट होगा। सिग्मा का मतलब समेशन, पाई का मतलब हुआ प्रोडक्ट, ओके। दूसरा फैक्ट जो आपको याद रहे कि जैसे मान लो एस वन मैंने लिखा, एस वन, एस वन का मतलब होता है टी वन, मतलब सम ऑफ वन टर्म्स, एक ही टर्म लिया तो एक ही टर्म तो टी वन में चाहिए, ये हमें याद करना। अगर एस वन अगर पूछा तो वो टी वन के मतलब फर्स्ट टर्म के बराबर ही हो जाए, ठीक है। अगर किसी ने एस टू पूछा है तो उसका मतलब होता है टी वन प्लस टी टू पूछा है, अगर किसी ने एस थ्री बोला है तो वो होता है हमारा टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है पैटर्न। ठीक
ठीक है, तो जो हमारे काम का चीज है वो बनती है कि सम ऑफ वन टर्म जो होगा वो टी वन के बराबर होगा, ठीक है, ये हमें पता करना, याद कर लेना अच्छे से। दूसरा कि जैसे मान लो एस एन मुझे दिया हुआ है, तो एस एन होता है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री और टी एन माइनस वन और लास्ट में गया टी वन। एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। अगर मान लो एस एन माइनस वन अगर लिखा है सबस्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक है, तो एस एन माइनस वन का मतलब होता है ये टी वन गया, ये टी टू गया और ये टी थ्री गया, सही है, और ये टी एन माइनस वन तक गया, सही है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्शन करने से क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा ये बच गया एस एन माइनस एस एन माइनस वन, सबस्क्रिप्ट में लिखा गया, मतलब इस बात में फर्क नजर आना चाहिए दोनों को, एक तो ये लिखा है और किसी ने ऐसे लिखा है, एस एन माइनस ऐसे लिखा है, दोनों इक्वल नहीं होता, इन जनरल इक्वल बराबर नहीं होता। एस एन मतलब एस एन माइनस वन का मतलब हुआ कि सबस्क्रिप्ट में अगर लिखा है तो उसका मतलब हुआ कि एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दो तो जो हमारा सम आएगा वो हमारा सम एस एन माइनस वन दे देगा, और एस एन माइनस वन किया हुआ तो उसका मतलब कि सम निकाल के उसमें से एक घटा दिया, तो दोनों में अंतर है, ये भी याद कर समझ समझ, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो, ये इससे कैंसिल हो, और ऐसे करते करते ये भी कैंसिल हो, सिंपली क्या बचा टी एन बचा। तो कहीं भी किसी सीक्वेंस का अगर मुझे सम ऑफ एन टर्म्स दिया हो और एस एन से मुझे टी एन निकाल दो, उसका जनरल टर्म निकाल दो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करें, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स अगर मुझे दिया हो और उसकी हेल्प से मुझे टी एन निकालना है, तो जनरल टर्म बदलने को निकालना है, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो एक तो ये सारे इंफॉर्मेशन याद कर, तो ये रहा इंफॉर्मेशन, ये वाला इंफॉर्मेशन एंड देन ये वाला इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओके चलो और बढ़िया। अब उसके बाद तुमको तो करना क्या है, जैसे मान लिया सपोज करो कि थोड़ा सा मैं एपी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे सीरीज का प्रॉब्लम कभी पर भी आएगा, सीरीज का प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि उसमें हमें मतलब ये पता नहीं चलता है कि उसका जनरल टर्म क्या होगा, अगर जनरल टर्म दे रखा है तो बहुत ही साफ, अगर जनरल टर्म नहीं दिया हुआ तो दिक्कत होती है वहां पे, मैं समझने में दिक्कत, ठीक है। जनरल टर्म कैसे लिखे, तो जनरली जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखे जनरल टर्म में से, सपोज करो कि लेट्स से ऐसे लिखा है, एक मैंने सीरीज निकालना सात, मान लो ऐसे लिखा है पांच, ठीक है, और सात यहाँ पे आठ, ठीक है, और यहाँ पे हो गया प्लस ग्यारह, ठीक है, तेरह, ठीक है, और एस एन मतलब एस एन का मतलब अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, ये सम। सबसे पहले काम क्या करोगे कि जैसे मैंने सम अगर पूछे तो सबसे पहले काम करोगे तो टी आर लिखोगे, जनरल टर्म लिखोगे, तो सबसे पहले तो काम यही, सबसे समझ में ये हमको यही नहीं आएगा कि जनरल टर्म क्या होगा, ठीक है, तो जनरल टर्म लिखना सीखेंगे पहले। तो अब जनरल टर्म तुमने लिख लिया, उसके बाद हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर ये भी कुछ रुपया लिख के लिखा है सिग्मा आर बराबर वन से लेकर के एन तक टी, समझ में आ रहा है। अच्छा इसका जनरल टर्म क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है इसका, इस सीरीज को देख करके इसका जनरल टर्म क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है क्या, चलिए बताओ जल्दी से। हाँ जी बोलो भाई, क्या कोई बच्चा इस सीरीज को देख करके मुझे जनरल टर्म बता सकता है, ऐसे बोलो भाई। हाँ जी बोलो, जनरल टर्म का मतलब होता है कि अगर अगर मान लो आर का वैल्यू वन रखा तो पहला टर्म आना चाहिए, आर का वैल्यू दो रखा तो सेकेंड टर्म मिल जाना चाहिए, आर का वैल्यू तीन रखा तो मुझे थर्ड टर्म मिलना चाहिए, आर का वैल्यू चार रखा तो चौथा टर्म मिलना चाहिए। तो तुम लोगों से मेरा क्वेश्चन यही है कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसका जनरल टर्म, इस सीरीज का जनरल टर्म क्या आएगा, मैं ये जानता हूँ, इंटरेस्टेड है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी कोई बच्चा बताएगा जल्दी से, और प्लीज आप लोग रिस्पॉन्ड करो, ऐसे चुप मत बैठे रहो, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना है आप लोगों ने, रिस्पॉन्ड करोगे तो ही समझ में आए, क्लास में पार्टिसिपेट करना है आप लोगों, तो बताओ भैया जल्दी कि इस सीरीज का जनरल टर्म क्या होगा, एनी आइडिया,
बिल्कुल भाई। हाँ जी, कोई बच्चा आंसर देगा क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? तो जब तक मैं जनरल टर्म अगर लिखने मेरे को नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है मेरे साथ। मतलब अगर मैं यहाँ पर सीरीज को देख करके जनरल टर्म अगर नहीं लिख पा रहा हूँ तो मेरे को हर जगह दिक्कत होगी। अगर मान लो, जैसे मान लो यहाँ पे इनको दे दिया, जैसे आप यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तुमको सीरीज में तुमको जनरल टर्म दिया हुआ है तो तुम्हारा काम बन गया। अगर मैं यहाँ पे सीरीज में जनरल टर्म ना दे करके मान लो मैं ऐसे लिख देता है, सपोज करो तो मैं इसको ऐसे लिखता टेन इनवर्स वन बाई, यहाँ पर के का वैल्यू मैंने वन ले लिया तो वन प्लस वन कितना हो गया 1/2। मैं सीरीज ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है? टेन इनवर्स, फिर यहाँ पर मैं अगला टर्म ले रहा था 1 + 2 + 2 स्क्वायर, तो मेरा 4 और 6 7। फिर तुम्हारा टेन इनवर्स, मान लो क्वेश्चन को मैं ऐसे मॉडिफाई रखता हूँ, फिर एन का वैल्यू 3 रखा तो 9 3 12 13 एंड सो। और तुमसे मैं पूछता कि फाइंड द सम अप टू एन टर्म्स, तो अब यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन ये बनाता हूँ ना, ये अगर तुम, मैंने क्वेश्चन ये तुमको क्वेश्चन ये दिया ही, इसको भूल जाओ, मैंने क्वेश्चन ऐसे बना दिया ऐसे, तो अब तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुमको। सबसे पहले तो स्टेप पे तुमको क्या करना पड़ेगा, जनरल टर्म लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार तुम लोगों से कह रहा हूँ कि जनरल टर्म लिखना सीखो, कि जब तक जनरल टर्म नहीं लिख पाओगे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर तो तुम्हें बहुत आसानी से तुमको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आसान है, तो जनरल टर्म तुमको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर मुझे पहले से पता है कि का वैल्यू 1 रखने पर मुझे ये काम मिल जाएगा, के का वैल्यू 2 रखने पर ये काम मिल जाएगा, के का वैल्यू 3 रखने पर ये मिल जाएगा। लेकिन अगर इनकेस अगर मान लो सीरीज का जनरल टर्म नहीं दिया हुआ क्वेश्चन है तो क्या करोगे फिर? तो फंस जाओगे ना, फिर डायरेक्टली आंसर निकाल नहीं पाओगे। और जब तक तुम जनरल टर्म नहीं लिखोगे तुम्हारा आंसर सॉल्व ही नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, मतलब आंसर कभी निकलेगा। समझ आया? तो क्या करें? इसलिए मैं तुमको बार बार यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैंने ये सीरीज दिया, समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये सीरीज तुमको दिया हुआ है, इस सीरीज को देख करके इसका जनरल टर्म लिखना सिखा दो। कैसे लिखेंगे भाई जनरल टर्म? हाँ भाई, अब बताओ, किसी बच्चे का कोई आंसर आया क्या जो मैंने कितना बताया उसके हिसाब से? क्या कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है क्या, जनरल टर्म का आंसर, जनरल टर्म क्या होगा? सिग्मा आर इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 2। ओके, चलो एक बच्चे ने आंसर दिया आर इंटू आर प्लस, चलो भाई करके देखा। किसी बच्चे ने ये बोला है कि आर इंटू आर प्लस 2 और आर प्लस 4। ठीक, चलो जी करके देखते। मान लो मैंने आर का वैल्यू 1 रखा है यहाँ पे, मतलब तो जो भी लिखेंगे उस पर चेक जरूर करोगे। मान लो मैंने आर का वैल्यू 1 रखा है यहाँ पे, तो क्या पहला टर्म आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। 1 रखा तो 1 × 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, 1 + 4 कितना हो गया 5 आ गया, तो 1 × 3 × 5 आ रहा है, जबकि पहला टर्म मुझे क्या दिया हुआ 5 7 9 दिया, तो गड़बड़ हो गया ना आपका, तो बहुत गड़बड़। इसका मतलब कि मुझे समझ में आ गया कि ये तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो फिर क्या करें? तो बताओ भाई क्या करेंगे? और किसी बच्चे का आंसर, और कोई बच्चा जो आंसर करना चाहता हो, जो मुझे बता सकता है, मेरी हेल्प कर सकता है, और आप सभी तो प्लीज सिंसियरली क्वेश्चन को फॉलो करो अगर कुछ सीखना है। हाँ भाई, और किसी का आंसर? सर आर की वैल्यू 5 पुट करेंगे? नहीं, आर का वैल्यू सीरीज, देखो सीरीज में कभी भी अगर सम निकालना है तो तुम कोशिश ये करो कि आर का वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट करो। क्यों? अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, मेरी मर्जी, मैं 4 से स्टार्ट करूँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी तुमको, क्योंकि हमारे पास, देखो इसका भी कारण बताते, देखो मान लीजिए कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो कि मुझे सम निकालना है एस एन 1 × 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5, समझ आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत आसान है, यहाँ पर तुमको टी आर समझ में आ गया होगा। टी आर को तुम कैसे लिखोगे, तो वो हो जाएगा R × R + 1 × R + 2, सही। अब इसमें क्या हुआ कि
आर का वैल्यू 1 रखा तो 1 into 2 into 3 आ गया, आर का वैल्यू 2 रखा तो 2 गुना 1 2 1 3 2 गुना 3 गुना 4, फिर आर का वैल्यू 3 रखा तो 3 गुना 4 गुना 5, सब कुछ मैच कर रहा है बिल्कुल ठीक है। तो जब इसमें होता क्या है कि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आर इंटू ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 2 आर हो गया 3 आर, और जस्ट हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है तुम लोग देखो ध्यान से भाई, आर स्क्वायर प्लस 3 आर प्लस 2 बन जाएगा ठीक है। अब हुआ क्या कि इसको तुमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आर क्यूब, ये हो गया 3 आर स्क्वायर प्लस सॉरी 3 आर, हाँ 3 आर स्क्वायर प्लस 2 आर सही। अब मान लो मैंने सम पूछा है तो सम का फॉर्मूला तुमको बताया अभी कुछ देर पहले कि सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर के एल तक, और ये हमारा टी आर है तो सिग्मा तुम लगाओगे यहाँ पे आर बराबर 1 से लेकर के एल तक, और यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा 3 आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 आर हो जाएगा, समझ में आ रहे तुम लोग ठीक है, यहाँ पे आई होप तुम लोग फॉलो कर रहे हो। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके आगे कहानी देखो, इसके बाद क्या हुआ, अब सिग्मा को होता क्या, सिग्मा जो होता है उसको हम सम पे ब्रेक कर सकते हैं, तो सिग्मा को सम पे ब्रेक कर लो तो सिग्मा हो गया आर बराबर 1 से लेकर के एन तक, पहला टर्म हो गया आर क्यूब, फिर दूसरा टर्म कांस्टेंट को सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं, सिग्मा से बाहर कर दिया 3 को, आर बराबर 1 से लेकर के एन तक, और ये हो गया आर स्क्वायर, सिग्मा को सम पे ब्रेक कर सकते हैं कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली फाइन, ऐसे 2 बाहर आ गया और यहाँ पर आर बराबर 1 से लेकर के एन तक और ये सिग्मा आर, यहाँ पे समझ आ रहा है ठीक है। अब तुम अभी जो मैं तुम्हारे जो मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर अब यहाँ पे आर का वैल्यू 4 रख सकते हैं, रखने में कोई बुराई नहीं है रख दो, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता ये, देखो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आर प्लस 4 आर प्लस 6, अच्छा ठीक है वो आंसर अभी आया नहीं, वो भी घर वाले चेक करके देख सकते हो ठीक है, तो कोई बात नहीं एनीवेज। हाँ तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है, हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, देखो कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, देखो भाई मैं यहीं पे लिखा साइड में, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर के एन तक, और ये सिग्मा आर उसका फॉर्मूला होता है, इसको सीरीज के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1 प्लस आर का वैल्यू 1 रखा 2 रखा 3 रखा और अब तो यहाँ कहाँ तक चला जाएगा एन तक चला जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 करेक्ट है। दूसरा आर बराबर 1 से लेकर के एन तक और ये आर स्क्वायर अगर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सही है, और प्लस एन स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 अपॉन 6 आ रहा है ठीक है। और अगर मान लो कि यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला हमारे पास ये होता है सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर के एन तक और ये आर क्यूब हो गया, उसका फॉर्मूला होता है एन क्यूब प्लस सॉरी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और ये हो जाएगा एन क्यूब तक जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का पूरे का होल स्क्वायर, हमारे पास ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है तो इसमें हमारा लोअर लिमिट जो होना चाहिए वो हमेशा मतलब अगर मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला लगे तो उसके लिए हमारा लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर मैं 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा फिर तो गड़बड़ है बहुत गड़बड़ रहेगा, फिर तो ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाऊंगा, फिर लगा सकते हैं फिर उसमें से हमें वो 3 टर्म को बाहर करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो वो हमें पता नहीं कि 3 टर्म क्या क्या हो सकता है, इसलिए जनरली हमेशा हम क्या करते हैं स्टार्ट कहाँ से करने की कोशिश करते हैं आर बराबर 1 से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आर बराबर 1 से स्टार्ट किया तो ये फॉर्मूला तुम्हारा लग जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगेगा एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर लग गया सीधा सीधा लगेगा, अगर मान लो मैं यहाँ 4 से स्टार्ट करता हूँ तो गड़बड़ होता फिर तो यहाँ पे मुझे मुझे 3 टर्म को कम्पनसेट करना पड़ेगा ठीक है, समझ में आ रहा है, फिर ऐसे यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया एन इंटू एन प्लस 1 और ये हो गया तुम्हारा 2 एन प्लस 1 अपॉन 6 हो गया, और ऐसे ही लास्ट में यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, अब इसको सिंप्लीफाई करो आंसर निकालो जो भी आंसर आएगा एन के टर्म पर आ जाएगा, तो आई होप ये स्कीम को समझ में आ गया। अच्छा ये जो फॉर्मूला हमने 3 लिखा है यहाँ पे ये कहाँ से आया वही देख लो जरा, अभी हमने पहला फॉर्मूला ये लिखा है सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर के एन तक और ये हमारा आर है, तो ये फॉर्मूला भी प्रूफ कर देता हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 ये हमारा फॉर्मूला ये बना है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फॉर्मूला बनता है, इसके लिए तुम ऐसे करो जैसे मान लो मैंने कंसीडर
कंसीडर किया मैंने एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कट गया, वन इंटू एनीथिंग विल बी दैट थी, ए बन गया टू ए माइनस बी, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा टू एन माइनस बी, सही। अब मैंने क्या किया, एन का वैल्यू एक बार वन रखा, तो वन रखा यहाँ पे तो हो गया वन स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा टू इंटू वन माइनस वन, फिर यहाँ पर एन का वैल्यू दो रखा तो यहाँ पे हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा टू इंटू टू माइनस वन, ठीक है। मैंने एन का वैल्यू तीन रखा तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा टू इंटू थ्री माइनस वन, सही है। ऐसे करते करते लास्ट में एन बराबर एन रखा यहाँ पे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का फोर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा टू इंटू एन माइनस वन। अब सबको ऐड कर दिया, तो सबको ऐड कर तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा, ये वाला अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पिछले वाले से कैंसिल होगा, इसके आगे कोई टर्म ही नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये बच गया, और इसके पीछे भी कोई टर्म नहीं है, जीरो के पीछे भी कोई टर्म नहीं है, तो जीरो वाला भी टर्म बच जाएगा, आ रहे सर। और खैर जीरो तो खैर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भी है, जीरो तो किसी नंबर में रखो ना ना रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको। तो बेसिकली हमारा क्या बना, यहाँ से एन स्क्वायर बच गया। राइट हैंड साइड में क्या होगा कि राइट हैंड साइड में जब मैंने इन सब टर्म्स को ऐड किया तो मेरा जो रिक्वायर्ड सीरीज है वही आ गया वन प्लस टू प्लस थ्री, आ तक चले गए एन तक चले गए, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरा एन टर्म्स है, तो वन 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 को एन टाइम्स ऐड करोगे तो क्या बनेगा एन, लेकिन माइनस लगे होने की वजह से माइनस एन हो गया। अब मैंने क्या किया इस माइनस एन को मेथड लेके आ गया, तो एन स्क्वायर प्लस एन बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ वन प्लस टू प्लस थ्री, और ये तो हो गया एन। तो फाइनली यहाँ से वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन तक का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या आ गया, वो हमारा आ गया एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन कॉमन निकाल दिया तो एन इंटू एन को सब देख लो एन, ठीक है। अब ऐसे जैसे तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, मतलब एक तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है कहाँ से आया, ये जानना हमारे बहुत जरूरी है कैसे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा यहाँ पर तुम देखो ध्यान से, जैसे सबके पावर कितने वन वन वन, ठीक है, सबके पावर है वन, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर कंसिडर किया। अगर अगर मान लो मुझे इसको इसको निकालना हो, जैसे ये वाला फॉर्मूला मेरे को चाहिए, तो यहाँ पे पावर कितना है टू, तो कंसीडर क्या करोगे उस केस में, कंसीडर करना पड़ेगा मेरे को एन क्यूब माइनस एन माइनस वन का होल क्यूब, ये कंसीडर करना पड़ेगा, और यहाँ पे पावर तीन है तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एन फोर माइनस एन माइनस वन का पावर फोर, ये कंसीडर करना पड़ेगा, सही है। आप क्या करके देखो सॉल्व हो जाएगा, ये तीनों प्रूफ हो जाएगा, ये भी प्रूफ हो जाएगा, ये भी प्रूफ हो जाएगा, अपने आप ही प्रूफ करते रहेगा, सही है। ओके चलो जी, बहुत बढ़िया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये तो मैंने ऐसे बता दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझाने के पर्पज से। फाइनली तो यहाँ से तुम्हारा वो आंसर निकल गया, ठीक है। अब इसको तो हम ऐसे नहीं करेंगे, वैसे मुझे डिफरेंस मेथड पढ़ाना है यहाँ पे, तो डिफरेंस मेथड पढ़ाने के लिए मैं इस मेथड को बता रहा हूँ ताकि तुमको रिकॉल हो जाए वो सारी चीजें, दिमाग में क्लिक कर जाए एक बार इलेवेंथ क्लास में जो तुमने पढ़ा हुआ है सब चीज। तो अगर तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ा है तो फिर तो गड़बड़ है, ऐसे पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तुमको आई होप समझ में आ गया, तीनों फॉर्मूला लगाना आ गया, सम निकालने का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला लगाने आ गया, कि पहले क्या करोगे किसी भी सीरीज को देख कर उसका जनरल टर्म लिखोगे, जनरल टर्म लिखने के बाद सिग्मा लगाओगे, सिग्मा लगा के सॉल्व कर डाला, ठीक है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन था वो इस वाले क्वेश्चन में, कि ये हमारे पास सीरीज दे रखा है, ये सीरीज जैसे उसने बोला कि फाइंड द सम पांच सात, ठीक है, प्लस आठ दस बारह प्लस ग्यारह जनरल टर्म लिखे। अब प्रॉब्लम यह है कि हम जनरल टर्म में ही फंस जा रहे हैं, सही है। तो देखो जनरल टर्म कैसे लिखोगे तो जरा पहचानने की कोशिश करो। अब मैं इस क्वेश्चन को ना कैसे भी बना सकता हूँ, जैसे मान लो मैं चाहूँ तो इसको उसके साथ मर्ज कर सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने इसमें ये कर दिया पांच सात नौ और एन सी एन सी वन, एन सी वन याद है ना आप लोगों को, भूल गए आठ दस बारह एन सी टू याद आ रहा है कुछ, हाँ एन सी टू मतलब ये हो गया तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम अप टू एन, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम। अब जब तक मैं जनरल टर्म नहीं लिखूंगा तो ना तो मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, ना मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, और सेम लॉजिक से ना तो मैं आईटीएफ में आंसर कर सकता हूँ। तो मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज तुमको समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
बाइनोमियल में भी आ रहा है, फिर तुम्हारा आईटीएफ में भी आ गया। तो ऐसा नहीं है कि सिक्वेंशियल सीरीज सिर्फ 11th क्लास में पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो हो गया हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी तुमको उससे, तो जाकर के हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो खैर एनीवेज, हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे इसका आंसर बताना है, तो इसका जनरल टर्म लिखना है, ठीक है। तो देखो जनरल टर्म कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका क्या है, तो तुम ध्यान से देखो, पहले टर्म पे फोकस करो, सब सारे टर्म के पहले टर्म, पहला टर्म क्या है, 5 है, ठीक है। फिर अगला 8 आ गया, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारा एक एपी बना रहा है, एपी का जनरल टर्म, फर्स्ट एपी। सेकेंड टर्म पे फोकस करो, तो सेकेंड टर्म में क्या क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है। ये हमारा हो गया सेकेंड एपी बन गया। एपी मतलब होता है कि जिसमें दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो 8 में से 5 घटाओगे तो भी 3 आएगा, 11 में से 8 घटाओगे तो भी 3 आएगा, कांस्टेंट रहना है। तो ये हमारा दूसरा एपी हो। और ऐसी तीसरे टर्म पे फोकस करो, तीसरा टर्म क्या बन रहा है, 9 आ रहा है, और क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और 15 आ रहा है। तो ये हमारा हो गया AP 3, ये थर्ड एपी, करेक्ट है भाई? आई होप ये सही सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब तुम क्या करो, हाँ पहले एपी को पहचानो और एपी का जनरल टर्म लिखने का कोशिश करो। अब एपी का जनरल टर्म तुम कैसे लिखते हो, जैसे कोई भी एपी मुझे दिया हुआ हो तो उसका जनरल टर्म ऐसे लिखते हो, तुम एपी का जनरल टर्म लिखते हैं TR, RH टर्म जो होता है वो होता है A+R-1D, ऐसे लिखते हो ना तुम। बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, अब मैं तुमको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देख। मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा A+R(D) कर दिया, मतलब D(R) हो गया और -D हो गया, सही। अब TR बराबर हो गया D(R) और +A-D को एक साथ देख, सही है, ध्यान से देख। अब मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे, TR, इसको मैंने Y बोल दिया, सही। इस क्वांटिटी को मैंने एम बोल दिया, इस क्वांटिटी को मैंने एक्स बोल दिया, और इस पूरे क्वांटिटी को सी बोल दिया। इसका इक्वेशन आया, किसका इक्वेशन है, Y=mx+c, किसका इक्वेशन होता है, हाँ जी बोलो भाई, हाँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, यस। समझ में आ रहा है तुम लोगों को, बाकी बच्चे भी भाई रिस्पॉन्ड करो भाई, ठीक है, बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड करना है आपने, अभी समझ में आए। हाँ तो मैं क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग को यहाँ से समझ में आ गया कि एक तो हमारा जो एपी होता है ना, एपी एपी का जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म दैट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लीनियर एक्सप्रेशन इन आर, आर में लीनियर एक्सप्रेशन होगा और आर का जो कॉफिशियंट होगा, एंड साथ में ये भी याद रखें, जो आर का जो कॉफिशियंट होता है, आर का जो कॉफिशियंट होता है वो कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। अगर तुमने ये फैक्ट याद कर लिया तो हम एक लाइन में आंसर देख सकते हैं कि एपी का जनरल टर्म, जैसे मान लिया, जैसे कहीं पर मेरे को ऐसे दे रखा है 17 और फिर दे दिया मान लो 30, 43 एंड सो ऑन। एक एपी मुझे दिया हुआ है, इनको दिख रहा है यहां से, मुझे इस एपी का जनरल टर्म लिखना है एक लाइन। अगर आर है तो आर आएगा, एन है तो एन आएगा, बट जनरली हम जनरल टर्म को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं मेरा जो नोटेशन है वो वही चलेगा, आर एच का। तो यहाँ पर हमने टी आर लिखना है, तो मैं बहुत आराम से लिखूंगा। देखो क्या करोगे, मुझे पहले से पता है जनरल टर्म आर में लीनियर एक्सप्रेशन होगा और आर का जो कॉफिशियंट है वो किसके बराबर है, कॉमन डिफरेंस के बराबर है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 13 का आ रहा है, आंसर है यस। इसका मतलब कि 13 आर तो पक्का आएगा, नहीं आएगा ये तो मुझे पहले से पता है। अच्छा उसके बाद तुम ये भी ध्यान देखो, ये करके देखो कि अगर आर का वैल्यू 1 रखा यहाँ पे तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए, मतलब 17 मिलना चाहिए। तो जब मैंने आर का वैल्यू 1 रखा यहाँ पे तो मुझे 13 मिल चुका है, बट मुझे 17 चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर सकता हूँ, आई होप ये समझ में आ गया होगा। मतलब ये सब अगर तुमको टेक्निक पता है तो तुम्हारा टाइम बहुत सेव होगा एग्जाम, समझ में आ रहा है कुछ,
चलो अब तुम लोग मुझे बताओगे, जैसे मान लो 1939, ठीक है, 59, इसका जनरल टर्म बताओ भाई, जल्दी बताओ फटाफट से, कितने का डिफरेंस है? 20, 20. यस, हाँ तो 20 आर तो पक्का आएगा ही आएगा, और आर का वैल्यू 1 रखने पर मुझे 19 मिलना चाहिए, तो 20 आ चुका है, तो कितना कम रहेगा? माइनस 1. सिंपल एज दैट, समझ कुछ आ रहा है? अच्छा ये तो मैंने तुमको ये बताया, ये तो तुमको मैंने जनरल टर्म देखना सिखाया शॉर्टकट तरीके। अच्छा अब एपी का सम भी निकाल सकते हो शॉर्टकट तरीके से, चलो सम भी बताइए। जैसे मान लो एपी का सम कैसे देखते हो, जैसे तुम लोग एसएन मेरे पास है, एसएन होता है, चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, ए प्लस डी, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस टू डी, करेक्ट है, फिर ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, सही। अच्छा कहीं पर मान लो सीरीज में तुम ऐसे सोचो कि जैसे मान लिया कहीं पर ऐसे लिखे, सपोज करो कि मैंने कहीं पर लिखा 5 + 7 + 9 + 16, सपोज करो ऐसे लिखे, ठीक है, मतलब ऐसे इसको मैं बोल रहा हूँ, तो अगर मैंने क्या किया टर्म को पलट दिया, मतलब मैंने ऐसे लिखा 16 + 9 + 7 + 5, तो अगर ये एस एन के बराबर है, मतलब 5 + 7 + 9 + 16 अगर एस एन के बराबर है, तो ये भी एस एन के बराबर ही होगा, इसका वैल्यू तो कोई बराबर ही आए दोनों का बराबर। तो अगर तुमको ये टेक्निक समझ में आया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने टर्म को पलट दिया, मतलब मैंने क्या किया, इस टर्म को मैं यहाँ पे लेके आ गया इधर, और इस टर्म को इधर लेके चल गया, समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया ध्यान से देखो, मैंने क्या किया ए प्लस एन माइनस वन डी, इसका पिछला टर्म होगा ए प्लस एन माइनस टू, इसका पिछला टर्म होगा ए प्लस एन माइनस थ्री डी, और ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे ए आ जाए। अगर अगर ऊपर वाला सीरीज का सम अगर एस एन के बराबर है, तो नीचे वाले सीरीज का सम भी किसके बराबर होगा, एस एन के बराबर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब दोनों को ऐड कर दो, तो एस एन प्लस एस एन कितना हो गया 2 SN। अब क्या करो, इन दोनों को जब ऐड किया, इन दोनों को, तो ध्यान से देखो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बनेगा ए प्लस ए हो गया 2A और प्लस एन माइनस वन डी बन, समझ में ऐसे जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी वही आएगा, अपने करके देखो 2A प्लस एन माइनस वन डी, समझ में आ रहा है, फिर जब इन दोनों को ऐड करोगे तो वो भी वही आएगा 2A प्लस एन माइनस वन डी, अपने करके देखो, और ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास यहाँ पर भी जब इन दोनों को भी ऐड करोगे तो वो भी वही आएगा 2A प्लस एन माइनस वन, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एन टर्म्स, ये तो समझ में आता है, एन टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस जीरो डी से लेकर ए प्लस जीरो डी से लेकर के ए प्लस एन माइनस वन वन डी तक है, तो जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन टर्म्स। अब तुम ध्यान से देखते हो इस बार, समझ में आता है क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन को मैंने बोल दिया मार्केट से, इसको मैंने लैम्डा बोल दिया, अगर ये लैम्डा तो ये भी लैम्डा ही होगा, अगर इसको लैम्डा बोलो तो ये भी लैम्डा ही होगा, और इसको भी लैम्डा ही बोलने, ये तो कुछ ऐसे बन गया लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा अप टू एन टाइम्स, तो एन टाइम्स लैम्डा मतलब हो गया एन इंटू लैम्डा, एन इंटू लैम्डा मतलब हो गया 2A प्लस एन माइनस वन, ये हमारा 2SN के बराबर है, SN बराबर कितना हो गया एन बाई टू इंटू 2A प्लस एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला बन गया सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, इसका एपी के केस, ये तुम लोग बचपन से पढ़ते हो, बट मेरा इंटरेस्ट इसमें है ही, मैं तुमको इसके आगे की कहानी बता दूँ, वो तो तुमको पता ही है, तो प्रूफ भी हो गया यहाँ से, और प्रूफ भी हमने कितना आसानी से कर दिया, आसानी से, ये तरीका बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझ बात, मैंने क्या किया इनको मल्टीप्लाई किया, तो ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो ब्रैकेट को ओपन किया तो ये बनेगा एन बाई टू मल्टीप्लाई होगा 2A के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ जाकर तो n बाई टू इंटू 2A हो गया, फिर यहाँ से n बाई टू इंटू एन माइनस वन डी हो, सही, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से हमारा a इंटू एन आ गया,
फिर यहाँ पर भी फिर एन बाई टू इंटू एन हो जाएगा, तुम्हारा एन स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, माइनस एन बाई टू हो गया, और ये पूरे के साथ डी ब्रैकेट ऐसे, तो डी भी मल्टीप्लाई होगा लास्ट में, तो डी को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एन स्क्वायर बाई टू इंटू डी, और यहाँ पर हो गया एन बाई टू इंटू डी, सही। ओके बहुत बढ़िया, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को अलग किया, मतलब तो यहाँ पर एन स्क्वायर को अलग कर दिया और डी बाई टू को अलग कर दिया, मतलब तो इस टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इस टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई टू इंटू एन स्क्वायर, यस। और इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में एन और इस वाले टर्म में एन को कॉमन, तो जब कॉमन निकालोगे तो अपने आप देखो ये बचेगा ए माइनस डी बाई टू इंटू, यस, ये हमारा एस एन, ठीक है, समझ में। तो एस एन का फॉर्मूला एपी में ये बनता है, चलो ये बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, इसमें ये है, और कुछ मैंने इसको वाई बोल दिया, ध्यान से मैंने इसको वाई बोल दिया और इसको मैंने ए बोल दिया, कि अगर डी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि किसी भी ए का डी तो फिक्स रहेगा, तो डी अगर फिक्स है ए बाई टू भी फिक्स रहेगा, तो ये हो गया ए, इसको मैंने एक्स बोल दिया, तो ए एक्स स्क्वायर, और इसको मैंने बी बोल दिया, क्या बन गया, फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हमारा ये निकला, किसी एपी का सम जो होगा, किसी एपी का सम जो होगा, सम ऑफ एन टर्म जो होगा, वो एन में क्वाड्रेटिक हो, दैट विल बी क्वाड्रेटिक, ये दोनों बातें याद कर, क्वाड्रेटिक इन एन, ठीक है। दूसरा, एंड लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग मतलब एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो डी बाई टू के बराबर, बाकी डी के बराबर। टीएन में क्या था, टीएन में जो कोफिशिएंट आ रहा था वो डी के बराबर था, टीएन में जो लीडिंग कोफिशिएंट था वो डी के बराबर था, दोनों में अंतर है। और एसएन में जो लीडिंग कोफिशिएंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, डी बाई टू, डी का आधा है, ये भी ध्यान रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और साथ में क्वाड्रेटिक इन एन एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू डी बाई टू एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो, क्या मतलब है इसका, ये तीनों बातें याद रखिए, कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये समझ होना चाहिए कि अगर मान लिया, जैसे वैसे तो हमारा क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हो, अब सी तो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जनरली क्वाड्रेटिक ऐसे ही होता है, बट यहाँ पर तुमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या कोई कॉन्स्टेंट टर्म आया क्या, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, यस। तो ये हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से निकला, क्या निकला यहाँ से, कि अगर कोई एपी है तो उसका सम ऑफ एन टर्म्स तक का सम जो होगा वो एन में क्वाड्रेटिक होगा, दूसरा वो भी कैसा क्वाड्रेटिक होगा, तो वो क्वाड्रेटिक इस तरह से होगा कि उसका जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा वो जीरो के बराबर होना पड़ेगा, समझ में आ रहे तुम लोगों को। तो यहाँ से दो बातें डिड्यूस, जनरल टर्म जो होगा, जनरल टर्म जो होगा वो लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ये तो, एक तो ये फैक्ट याद कर लोगे, ऐसे याद क्या करोगे, समझ में तो आ ही गया होगा, और दूसरा ये वाला फैक्ट याद, ये वाला सही है, दोनों बातें याद करो। अब जैसे मान लो मैं तुमको, जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मान लो कि मेरे किसी ने बोला कि किसी सीरीज का सम सम ऑफ एन टर्म्स मुझे ये दिया हुआ है, सेवन एन स्क्वायर प्लस एलेवन एन, ठीक है, उसने मेरे को ये बता के छोड़ दिया और बोला कि प्रूफ करो कि प्रूफ दैट दिस इज एन एपी, ये एपी होगा, मतलब दिस इज एन एपी। अब वैसे तो मुझे पहले से पता है कि अगर किसी सीरीज का सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो अगर n में क्वाड्रेटिक है और उसका कांस्टेंट टर्म जीरो के बराबर है तो पक्का वो एपी होगा, मुझे पहले से पता है, बट इसको इसने बोला प्रूफ करके दिखा रहा है, मैं तुमको प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं। देखो अभी स्टार्टिंग में, अभी इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में तुमको ये बात बताया है कि कभी भी मुझे एस एन दिया हो, कभी भी मुझे एस एन दिया हो और एस एन से मुझे टी एन निकाल, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सही है, तो मैंने वही यूज कर दिया, यहाँ से ध्यान से देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिखा, देखो मेरे पास एस एन मेरा ये क्या है, सेवन एन स्क्वायर प्लस एलेवन है और एस एन माइनस वन जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा सेवन इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एलेवन एन माइनस वन, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, एस एन माइनस वन कितना हो जाएगा, टी एन के बराबर हो जाएगा, और सेवन कॉमन निकाल दिया और एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर भी तुझे पहले मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, टू एन माइनस वन के बराबर, और यहाँ से 11 कॉमन आ गया तो 11 एन और एन कट गया तो 11 इंटू वन तो 11 हो गया, तो टी एन हमारा क्या आ गया, 7 टू 14 एन माइनस 7 प्लस 11,
टीएन हमारा कितना आ गया, 14n, और 11 में 7 में 4। अब तुम देखो टीएन हमारा एन में लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, तुमको पहले से पता है कि एपी का होता है तो, बट चलो कोई बात नहीं, अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने एन का वैल्यू 1 रखा यहाँ पे, तो T1 कितना आ गया 14 और 4 18, फिर T2 रखा तो हो जाएगा 32 हो जाएगा, T3 रखा तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, अपने करके देखते हैं। और चलो एक और लिख देता हूँ, T4 अगर रखा तो 60 के बराबर हो गए। अब ये सीरीज तुमको कैसा दिख रहा है, ऑफकोर्स एपी, यहाँ से पूरा प्रूफ हो गया ये चीज कि अगर किसी एपी का सम अगर है, अगर वो एन में क्वाड्रेटिक है और उसका कांस्टेंट टर्म जीरो है तो पक्का एपी होगा। किसी भी सीक्वेंस का सम सम ऑफ एन टर्म्स अगर एन में क्वाड्रेटिक है और उसका कांस्टेंट टर्म जीरो है तो पक्का वो 100% एपी होगा। मुझे उसमें कुछ दूसरा सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए, उसमें समझ में आ रहा है, ये उसका प्रूफ हो गया। अच्छा अब मैंने तुमको शॉर्टकट कैसे लिखना है, जैसे मान लो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब देखो शॉर्टकट में लिखना सिखा रहा हूँ, जैसे एक लाइन में जैसे हमने टीएन लिखना सीखा है वैसे एक लाइन में मैं लिखना सिखाऊंगा तुम लोगों को। जैसे मान लो इस सीरीज का सम चाहिए 9 + 27 और 9 ऐसे लिखो, चलो 7 + 25 + 43 ठीक है +60। मान लो मुझे इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है एक लाइन में कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे पहले मुझे पहले मैंने चेक किया कि पहले एपी है कि नहीं, तो बिल्कुल है एपी, 7 18 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस, यस 18 का डिफरेंस, तो इसका मतलब कि एपी है, ये पक्की बात है, तो पक्की बात है एपी अगर है तो 100% मुझे इसका आंसर में एक लाइन में लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे, मुझे पहले से पता है कि ये हमेशा इस फॉर्मेट में आने वाला है, एन स्क्वायर और एन के फॉर्मेट में, साथ में मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पता है कि एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो कॉमन डिफरेंस का आधा होता है, तो 18 का आधा कर दो तो 9n² हो गया। अब तुमको साथ में मैंने ये भी पढ़ा रखा है ऑलरेडी इसी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में कि S1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म जो होता है वो T1 के बराबर होता है, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि SN वाले फॉर्मूले में जो मैं SN लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पर SN मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो N का वैल्यू 1 रखने पर मुझे 7 मिलना चाहिए, 7 फर्स्ट टर्म मेरा T1, तो जब मैंने N का वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पे 9 आ चुका है, मुझे 7 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, -2 कर दो, हो गया एक लाइन आंसर, तो हम उठा रहे हैं कितने बच्चों के लिए, पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। अब जैसे एक और एग्जांपल, चलो अब इसका आंसर तुम लोग बताओगे, जैसे मान लिया अब एक किसी को कुछ पूछना है क्या, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, समझ में नहीं आ रहा तो मैं आई विल एक्सप्लेन वंस मोर, अदरवाइज ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि क्या लेते हैं 24 + 40 + 56 इसका सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट क्या लिखेंगे भाई, कितने का डिफरेंस है भाई जल्दी जल्दी बताओ, 24 16, यस 16 का आधा किया 8n² आ गया और प्लस यहाँ पे एन होना चाहिए, यस। अब n का वैल्यू 1 लेकर पर 8 आ चुका है, यहाँ पे 34 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 16 कर दिया, एज सिंपल है, ठीक है। अगर तुम ये सब टेक्निकल का जानते हो तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। हाँ तो मैं अब चलो अब तुम अपने आप देख लेते हो, देख रहे आई हैव एक्सप्लेन इनफ ऑन दिस टॉपिक। हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये था, तो ये था मेरा क्वेश्चन 5, 7, 9 + 8, 10, 12 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, तो लीनियर टर्म आएगा, सॉरी अभी मैं SN नहीं लिखा, अभी तो मैं TN लिखूंगा पहले, TR। हाँ तो TR कैसे लिखोगे, देखो भाई पहले पहले सीरीज पे फोकस करो, पहला सीरीज आएगा 5, पहला पहला जो सीरीज आएगा वो आएगा 5, 8, 11 ऐसे आएगा, दूसरा सीरीज आएगा 7, 10 और 13 और तीसरा सीरीज आएगा 9, 12 और 9, 12, 15। तो तुम कैसे कैसे लिखोगे, देखो भाई एक लाइन में लिखना सीखो, 5, 8, 11 तो 3 का डिफरेंस है तो 3R तो पक्का आएगा, R का पहले 1 रखा तो मुझे 5 मिलना चाहिए, तो 3R + 2 = 3 इसमें भी 3 का डिफरेंस है तो 3, 3, 3 बट R का पहले 1 रखा तो मुझे 7 मिलना चाहिए, 3R + 2 और उसके बाद यहाँ पर हो गया 3R + 6, यही हमारा जनरेटर, सही है।
एक लाइन में लिख दिया हमने। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, आर का वैल्यू 1 रख करके देखो, 3 और 2 5, 3 और 4 7, 3 और 6 9, पहले तो मैच करके, 3 गुना 2 6 और 2 8, 3 गुना 2 6 और 4 10, 8 10 12, दूसरा टर्म मैच करके ऐसे आर का वैल्यू 3 रखोगे तो तीसरा टर्म मैच कर लो, आप यहाँ करके देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, टी आर लिख दिया, उसका सम निकालना, तो सम के लिए क्या करोगे, फिर से वही सारा लॉजिक, वही आर बराबर 1 से लेकर के एन तक, और ये टी आर हो गया, और अपने आप इसको मल्टीफाई मल्टीफाई करके वही सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यू, जो तीनों फॉर्मूला के आंसर कर देना। ठीक है, बट मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है तुमको डिफरेंस मेथड बता। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड कैसे निकालोगे, देखो जैसे मान लिया कि किसी का यूज करना है, तो डिफरेंस मेथड का यूज करो। जैसे अभी सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था, ये क्वेश्चन था 1 इनटू 2 सिंपलेस्ट डेट, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, 3 4 5। ठीक है, इसका सम निकाल देता हूं, एंटर सम निकाल, सही। तो सबसे पहला काम तो जनरल टर्म लिखो, तो इसमें तो बहुत ही आसान है, इसमें तो लिखोगे आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है किसी बच्चे को, आर का वैल्यू 1 रखा तो 1 प्लस 1 इंटू 1, सॉरी 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 2 रखा तो 2 गुना 3 गुना 4, फिर 3 रखा तो 3 गुना 4 गुना 5, सही। तो इसका तो जनरल टर्म लिखना बहुत आसान। अभी हमने एक तरीका भी सॉल्व किया था, अभी हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और सिग्मा लगा दिया, बट मैं वैसे करूंगा नहीं, अभी मैं डिफरेंस मेथड पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को डिफरेंस मेथड से करूंगा, मतलब ये मेरा मेथड। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड में करना क्या होता है, उसी डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड होता ये है कि कभी भी तुमने कोई भी किसी तरह का भी सीरीज तुमको दिया हो, सही है, तो तुम ये कोशिश करो उसका जनरल टर्म पहले लिखो, और जनरल टर्म लिखने के बाद उसको इस तरह से ब्रेक करो कि एक एक टर्म हमारा वी आर है, तो दूसरा हमारा वी आर माइनस वन बन जाएगा, मतलब आर में आर वाइज एक का डिफरेंस हो, या फिर अगर एक हमारा वी आर बन रहा तो दूसरा वी आर प्लस वन बन जाए, या उल्टा भी कर सकते हो, अगर ये हमारा वी आर प्लस वन है तो दूसरा वी आर बन जाए, या फिर अगर ये हमारा वी आर प्लस वन है, सॉरी वी आर है, यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा वी आर है और ये अगर वी आर प्लस टू हो जाए तो भी काम करते हैं, अगर यहाँ पे वी आर है तो यहाँ पे वी आर माइनस टू तो भी काम करेगा, और तीन रहेगा, तीन का भी डिफरेंस ले सकते हैं, मान लो किसी केस में ऐसा होगा, बट मोस्ट वैल्यू उसमें आएगा ना, हम उसके आएगा आर माइनस थ्री, तीन का भी करते हैं, जैसे आर प्लस थ्री माइनस आर, आर माइनस थ्री माइनस आर, ये भी सब चलेगा, सब सही है, समझ आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंस मेथड, तो मतलब मेरा मेरा मतलब पूरा स्ट्रेटजी किस पे फोकस रहेगा, मेरा स्ट्रेटजी फोकस रहेगा कि मैं कैसे भी करके इस टी आर को इस दो टर्म के डिफरेंस में लिखूं, सच दैट आर वाइज एक का डिफरेंस हो, या फिर दो का डिफरेंस हो, या फिर तीन का डिफरेंस हो, डिफरेंस समझ में आता है, डिफरेंस का मतलब देखो, डिफरेंस में क्यों बोल रहा हूँ, देखो एक होता है कि जैसे मैंने लिखा 1 माइनस 2, उसका आंसर होगा माइनस टू, लेकिन मैंने बोला 1 डिफरेंस 2, उसका मतलब होगा 1, मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये ध्यान रखना, मतलब आंसर कैसे बनाओगे 1 माइनस 2, उसका भी मॉड बनाना है। तो यहाँ भी हम आर और आर वाइज जो डिफरेंस है, आर और आर माइनस वन का जो डिफरेंस है वो एक का डिफरेंस है, ऐसी आर और आर प्लस वन का डिफरेंस है वो एक का डिफरेंस है, या फिर आर और आर प्लस टू का डिफरेंस वो का डिफरेंस है, मतलब कहने का मतलब कि दो टर्म में ब्रेक भी करना है, और इस तरह से ब्रेक करना है कि सच दैट कि दोनों का डिफरेंस आर वाइज दोनों का डिफरेंस एक का हो, या फिर दो का, या फिर तीन का, मैक्सिमम उतने से काम चलता है, तीन तक तो कभी पहुंचोगे भी, हमेशा एक या दो से काम चलता है, सही है। हाँ, तो टेक्निक क्या रहेगा, टेक्निक देखो ध्यान से इस केस को, तो पहले ये पहला पहला टाइप वन है हमारा, टाइप वन, अगर हमारा मतलब सीरीज का क्वेश्चन जनरल टर्म, मतलब जो भी सीरीज का प्रॉफ, मतलब जो टर्म्स है वो न्यूमरेटर में पड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में क्या, 1 सबके डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में टर्म्स प्रेजेंट है तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 टर्म्स है, तो 1 2 3, तो अगर न्यूमरेटर में टर्म्स प्रेजेंट है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है, तो 3 से एक फालतू टर्म लिखेंगे, ध्यान से देखें तो मैं कैसे लिखना सिखा रहा हूँ, टेक्निक को याद रखें, तो हम क्या करेंगे, आर लिया, यहाँ से आर प्लस वन लिया, आर प्लस टू लिया, फिर एक और आगे अपने मन से एक और टर्म लिखा आर प्लस थ्री, समझ आ रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरे को, ठीक है, फिर बीच में एक माइनस का साइन लगाओगे,
फिर दोबारा से यही तीन टर्म लिखोगे आर आर प्लस वन और आर प्लस टू। एक बार हम आगे की तरफ गए, एक बार हम पीछे की तरफ गए, तो आर से पिछला टर्म क्या होगा, वो हो जाएगा आर माइनस वन, आर एफ। ठीक है, समझ आए, टेक्निक क्लियर है? तब यहाँ पर क्या होगा, क्या बना हुआ आर माइनस वन, एक पीछे लेके चलेंगे टर्म को, आर आर प्लस वन आर प्लस टू। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में होता क्या है कि मतलब इस बात का हम ख्याल रखते हैं कि जब भी दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, ये हमारा मैनिपुलेशन वाला स्टेप है, इसी में तुम्हारा दिमाग खर्च हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। तो मैथमेटिक्स में मैनिपुलेशन जब भी तुम करोगे कहीं पर भी, ये ऐसा नहीं किसी चैप्टर की बात चल रही है, पूरे मैथमेटिक्स की बात चल रही है, कहीं पर भी मैनिपुलेशन अगर करोगे तो उसमें तुमको बस ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, यहाँ पर हमारा ओरिजिनल टी आर जो था वो ये था, ये उसमें चेंज नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात। जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है मैथ्स में एक्स इंटू, अब किसी बच्चे ने क्या किया कि इसको पांच से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर उसने पांच से मल्टीप्लाई किया तो उसको पांच से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, सच लेट के पांच पांच कट गए और ये एक्स इंटू वाई ही रहे। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर भी तुमको इस बात का ख्याल रखना, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, मैंने चेक किया कि क्या मैं इस टी आर को जो मैनिपुलेट कर रहा हूँ ऐसे, तो क्या कोई फालतू टर्म तो नहीं आ गया? तो फालतू टर्म को चेक कर लेते हैं, मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखो, चेक किया मैंने, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहां से लेकर के यहां तक वाला जो टर्म है ये दोनों में कॉमन, इसको मैंने कॉमन निकाल दिया, करके दिखाता हूँ। ऐसे तो प्रैक्टिस अगर करोगे तो तुमको समझ में आ ही जाएगा, आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। ठीक है, ये कॉमन निकाल दो, अंदर बचा हमारा आर प्लस थ्री बचा, यहाँ से आर प्लस थ्री बच गया और यहाँ से क्या बचा, आर माइनस वन बचा, तो माइनस ऑफ आर और माइनस वन इज प्लस वन। सही, तो ये आर आर कट गया और तीन और एक कितना हो गया चार, तो ये हो गया फोर टाइम्स ऑफ आर इंटू आर प्लस वन आर प्लस टू, ये आ गया। बट हमारा ओरिजिनल जो टी आर था उसमें तो चार तो प्रेजेंट ही नहीं था, समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? जो हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था क्या उसमें तुमको कहीं चार दिखाई दे रहा है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, बट यहाँ पर जो हमने ये जो मैनिपुलेशन किया उसमें तो चार फालतू आ गए, तो उसी लिए उस चार को कंपनसेट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से ध्यान से सुनो, मतलब ये सब चीज अपने दिमाग में बिठा के लेके चलेंगे, इसको मैंने क्या किया वन बाई फोर कर दिया, वन बाई फोर से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे पता था कि चार वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है और चार वाला एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा तो काम खराब करेगा। अब ऐसा करने से देखो सब कुछ मैच कर गया, सब कुछ हमारा फिट बैठ गया, क्या हुआ, एक तो मैनिपुलेशन हो गया। अब देखो तुमको फायदा क्या क्या मिला, यहाँ से ध्यान से सुनो मेरी, देखो जो हमारा टी आर है, तब मैं इसको भी सॉल्व अगर करूंगा, इस पूरे इंटायर एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा तो यही आ जाएगा, यही तो हमारा एक तो फर्स्ट फर्स्ट जो टाइप है, मतलब फर्स्ट जो बात है वो ये है कि हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ, तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वन बाई फोर कर देने से हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा। चलो एक एक चीज तो फिट बैठ गया। फिर दूसरा चीज मैंने तुमको क्या सिखाया था अभी कुछ देर पहले, कि अगर मैं टी आर को लिखना इस तरह से भी लिखना है कि अगर एक टर्म अगर वी आर बनता है तो दूसरा वी आर माइनस वन बनना चाहिए, या अगर वी आर बनता है दूसरा वी आर प्लस वन बनना चाहिए, वो भी ना चेक कर लेते हैं। तो देखो भाई कितने बच्चे यहाँ पे मेरे से एग्री करते हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं वी आर बोलता हूँ, वी आर, तो क्या ये वाला एक्सप्रेशन जो होगा वो वी आर माइनस वन होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखते कितने बच्चे एग्री करते हैं। अरे तुम यहीं पे देखो ना, जैसे चलो जिस बच्चे को समझ में नहीं उसके लिए, हाँ जी किसी को कुछ डाउट है क्या, किसी को कुछ पूछना है, हाँ जी नवीन कुछ पूछना है क्या? नो सर। ओके चलो, हाँ देखो यहाँ पे एक तो तुमको, चलो जिस बच्चे को समझ में नहीं है उसके लिए मैं बताया था, देखो मैं करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने वी आर मेरा ये है R into R plus 1, R plus 2, R plus 3, सही? अब मैंने क्या किया, R की जगह पर R minus 1 रख दिया है, तो जहां जहां R है वहां वहां क्या रखोगे, R minus 1, R minus 1 plus 1, R minus 1, तो इस समय तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको,
करेक्ट आप देखो यहाँ से क्या हुआ, ये 1 1 कट गया तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, आर माइनस वन, ये बन गया आर, ये बन गया दो में से एक गया ही आठ प्लस वन, और ये बन गया तीन में से एक गया आठ प्लस। देखो तो अगर मैं इसको वी आर बोल रहा हूँ, अगर मैं ये इसको वी आर बोलूँ तो ये अपने आप ही वी आर माइनस वन बन गया, यही तो मेरा रिक्वायरमेंट है, हम यही तो चाहते थे, यही तो डिफरेंस मेथड है, यही तो, यही जिसको लगाने आ गया उसका काम आसान हो गया, और जिसको ये लगाने नहीं आया उसका काम खराब है, उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएगा वो कोई कुछ। ठीक है, समझा रहे? अब देखो, अब ऐसा करने से फायदा क्या मिला मेरे को, ऐसा करने से फायदा मेरे को ये मिल गया कि सारी बातें फिट बैठ, ना तो हमारा ओरिजिनल पी आर चेंज हुआ, दूसरा हमारा एक अगर वी आर है दूसरा अपने आप ही वी आर माइनस वन बन गया, या अगर एक अगर वी आर है तो दूसरा अपने आप ही वी आर प्लस वन बन जाएगा, समझ आ रहा है? ठीक है, अब इस इतना करने के बाद अब तुम ध्यान से देखो, यस, अब इसकी जरूरत नहीं होगी, तो समझाने के बताए, अब मुझे सम निकाल, तो सम क्या करोगे, सम देखोगे, सम कैसे निकालोगे, ठीक है, एक बार तुम क्या करोगे, यहाँ पे आर का वैल्यू वन रखोगे, टी वन, अच्छा 1/4 तो सब में कॉमन आएगा, तो उसको तो बाद में टैकल करते, पहले तुम डायरेक्टली लिखो, वन वन रखा तो वन इंटू वन प्लस वन कितना हो गया टू, वन टू थ्री इंटू फोर, ठीक है, माइनस वन में से वन का जीरो, ये पूरा टोटल जीरो ही होगा, टी वन हमारा ये आ जाएगा, अच्छा टी टू हमारा कितना आ जाएगा, टी टू हमारा हो जाएगा दो तीन चार और ये पांच, माइनस दो रखोगे यहाँ पे रखोगे तो दो, ये बन जाएगा वन टू थ्री, सही है, फिर ऐसे ही टी थ्री रखा तो टी थ्री अगर रखा तो वो हो जाएगा तीन चार पांच छ, माइनस यहाँ पे रखा तो ये बन जाएगा दो तीन चार, अपने यहाँ पर देखो ये आ जाएगा टी थ्री आया, सही, मतलब आर का वैल्यू वन रखा, मतलब पूरे टी आर की जगह पे, मतलब टी आर में जो आर है मैनिपुलेशन करने के बाद, ये सब सारा स्टेप किसके बाद करें, मैनिपुलेशन करने के बाद, आर का वैल्यू वन रखा, एक बार टू रखा, एक बार थ्री रखा, ऐसे करते चले गए, उसको पैटर्न समझ में आ गया, लास्ट में तुम्हारा टी एन आया, टी एन, तो टी एन हमारा हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, और ये हो जाएगा एन प्लस टू, और ये हो गया एन प्लस थ्री, करेक्ट है भाई, और ये हो जाएगा एन माइनस वन, और ये हो गया एन, ये हो गया एन प्लस वन, और ये हो गया एन, सही है, अब तुमको पता है कि टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन, ये सम एस एन के बराबर होता है, ये तुम पढ़ के अभी पूछ देता है, और अब तुम ध्यान से देखो, जब सबको ऐड करना स्टार्ट करो तो क्या होगा, कि ऐड करने पर ये वाला टर्म इससे कैंसिल, ये वाला टर्म अपने अगले वाले से कैंसिल, ये वाला टर्म अपने अगले वाले से कैंसिल, ये वाला टर्म अपने पिछले वाले से टर्म से कैंसिल, इसके आगे कोई टर्म ही नहीं है, इसके आगे कोई टर्म ही नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये हमारा कैंसिल नहीं होगा, और इसके पीछे भी कोई टर्म नहीं है, तो ये जीरो वाला पार्ट भी कैंसिल नहीं होगा, वैसे तो जीरो तो रखो ना रखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमारा एस एन कितना आ गया, एस एन हमारा आ गया एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री, ठीक है, और 1/4 कॉमन आ रखा, तो लास्ट में हमने 1/4 यहाँ पे लगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो उसी क्वेश्चन को एक तरीका तो ये हो गया, और ये मेथड टू हो गया, तो एक तरीका तो अभी कुछ पहले सिखाया था, यस, यही सेम क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने का मेथड वन ये रहा, एक तरीका तो तुमने बिना कुछ दिमाग खर्च किए तो ये ऐसे सॉल्व कर डाला, और दूसरा तरीका ये हुआ हमारा डिफरेंस मेथड, ठीक है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर इतना दिमाग खर्च करने की जरूरत क्या है, तो मेरा आंसर ये होगा कि अभी तो तुमको ये समझाने के लिए मैं तुमको बताया, वैसे अगर न्यूमरेटर में अगर टर्म प्रेजेंट है तो न्यूमरेटर वाले क्वेश्चन को हमेशा डायरेक्ट सॉल्व कर डालो, मतलब इस वाले मेथड से करो, मेथड वन से, कि मैंने तुमको बताया क्यों, इसके पीछे कारण है, अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे को डायरेक्टली सॉल्व करना है, मतलब न्यूमरेटर में टर्म प्रेजेंट है, सही, ये न्यूमरेटर में टर्म प्रेजेंट से डायरेक्टली हमने मेथड वन से सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा आसान पड़ेगा, इसमें ज्यादा दिमाग खर्च भी नहीं होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लें, लेकिन अगर मान लो अगर क्वेश्चन में ये कर देता हूँ, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, बच्चा बोलेगा सर इसकी जरूरत क्या थी, इतना फालतू क्यों दिमाग खर्च करते हैं, उन उन बच्चों के लिए मैं ये क्वेश्चन ये पूछ लिया, वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री, वन अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर, वन अपॉन थ्री इंटू फोर टू फाइव, ठीक है, अप टू एन टर्म्स, यस, तो अब अगर डिनोमिनेटर में अगर टर्म आ गया, डिनोमिनेटर में टर्म था तो तुम मेथड वन मेथड टू जिससे तुम्हारा मन करे कर ले, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आया, लेकिन जैसे ही डिनोमिनेटर में टर्म आ गया, इस बार क्या हो रहा है, इस बार देखो, इस बार हमारा डिनोमिनेटर में टर्म आ गया,
जैसे ही डेनोमिनेटर में अगर टर्म आया तब तो सोच लो कि वो उस टाइप के क्वेश्चन 90% केस में तुम्हारा डिफरेंस मेथड लगा रहा है, उसमें डायरेक्ट मेथड तुम लगा ही नहीं सकते। मेथड वन इट विल नॉट वर्क, मेथड मेथड वन तुम्हारा काम ही नहीं करेगा उसमें अगर तुम्हारा डेनोमिनेटर में अगर टर्म्स आ गए तो। अब यहाँ पर डिफरेंस मेथड ही तुमको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो जिन बच्चों को डिफरेंस मेथड आता है वो तो लगा लेंगे, और जिसको पता ही नहीं है तो फिर वो फंस जाएगा, क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा। समझ आ रहा है? अब रही बात कि ये यहाँ पे कैसे लगाओगे डिफरेंस मेथड, तो देखो भाई अगर न्यूमरेटर में, वैसे तो मैंने तुम पूरा टेक्निक बता दिया तुम लोगों को, मैं चलो यहाँ पर बता देता हूँ। ये हमारा टाइप टू है। टाइप टू क्या कहता है कि अगर मान लिया कि अगर हमारा न्यूमरेटर में अगर टर्म प्रेजेंट है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म को काउंट करोगे कि हर टर्म में कितने टर्म्स प्रेजेंट है। तो जैसे वहां पे तुमने देखा कि तीन टर्म्स प्रेजेंट थे, तीन से एक ज्यादा टर्म हमने लिखा था यहाँ पर, तीन से एक ज्यादा, एक दो तीन चार टर्म। समझ में आ रहा है तुमको? अगर डेनोमिनेटर में टर्म प्रेजेंट है तो डेनोमिनेटर में टर्म्स को काउंट करो, तो यहाँ भी तीन टर्म है, तो डेनोमिनेटर वाले टाइप में तुम तीन से एक कम टर्म करके लिखो। तो सबसे पहले स्टेप पे क्या करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले टी आर लिखा, टी आर हो जाएगा वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, करेक्ट है भाई? अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तीन टर्म्स है। तो अगर डेनोमिनेटर, हाँ अगर डेनोमिनेटर में अगर टर्म प्रेजेंट है तो हम एक टर्म कम करके लिखते हैं। एक टर्म कम करके कैसे लिखोगे, देखो भाई कम करके लिखना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, करेक्ट, मैंने पहले क्या किया, दो ही तीन से एक कम करके लिखते हैं, तो पहले मैंने इन दोनों टर्म को पिक किया, अपने का टेक्निक है ये। तो यहाँ पर आ गया आर इंटू आर प्लस वन आ गया, बीच में एक माइनस लगाया, एक बार इन दोनों को पिक किया था और एक बार हम क्या करेंगे इन दोनों को पिक करेंगे। Yes. समझ रहे तुम लोग? अच्छा, फिर उसके बाद फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या उठेगा कि ऐसा, ये दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, ये हमारा मैनिपुलेशन वाला स्टेप, इसी में दिमाग खर्च हो, ठीक है? तो ये हमने मैनिपुलेशन लगा दिया। अब मैनिपुलेशन लगाने के बाद फिर हमने देखा कि कोई फालतू टर्म तो नहीं आ रहा, जैसे कि उसके ऊपर चार आ गया था फालतू, क्या यहाँ पर कोई फालतू टर्म तो नहीं आ रहा, तो हमने चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैंने सॉल्व किया इसको, हमारा एलसीएम हो जाएगा ये आर इंटू आर प्लस वन आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस, ये एलसीएम हो गया। तो पहले वाले टर्म में जाएगा आर प्लस टू आ जाएगा, दूसरे वाले टर्म में क्या आ जाएगा, दूसरे वाले टर्म में जाएगा माइनस आर, तो ये आर आर कट गया, तो ये तो हो गया टू बाई आर इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू, बल्कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन तो वन अपॉन था, यहाँ तो टू आ गया, फालतू आ गया टू। तो उस टू को कंपनसेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बिल्कुल फिट है। हाँ जी बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या, किसी बच्चे को कुछ डाउट? ठीक है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर तुमने फॉलो कर लिया तुम्हारा तुम्हारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? समझ आ रहा है? ओके चलो। हाँ अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब ऐसा करने से मेरे को फायदा क्या मिला, ऐसा करने से फायदा मेरे को ये मिला कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं इस टर्म की बात करूं, ये वाले टर्म की अगर बात करूं, तो मैं अगर इसको वी आर बोल, वी आर, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर मैं इसको वी आर बोलता हूं तो ये वाला टर्म अपने आप ही क्या बन जाएगा भाई, ये वाला टर्म ऑफ कोर्स क्या बन जाएगा, वी आर प्लस वन बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते थे, यही तो स्टार्टिंग से इतनी देर से यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंस मेथड में बेसिकली करना क्या होता है। एक टर्म अगर वी आर है तो दूसरा वी आर माइनस वन बन जाए, या वी आर प्लस वन बन जाए, ऐसा कुछ कुछ हो जाए तो हमारा काम बन जाता है। अब सम निकालना, तो सम निकालने का तरीका क्या होगा, सम निकालने का तरीका होगा, देखो भाई एक बार हमने टी वन दिया तो टी वन वन बाई टू तो बाद में चलो कॉमन निकाल लेंगे, क्या बनेगा वन बाई वन इंटू टू, वन इंटू टू माइनस वन बाई, सही टी वन हमारा ये आ गया। उसका टी टू निकाला तो टी टू हमारा जाएगा वन बाई टू इंटू थ्री माइनस वन बाई थ्री, फिर ऐसे टी थ्री निकाला तो हो जाएगा वन बाई थ्री इंटू फोर, फिर अगला हो जाएगा वन बाई फोर, सही है? ऐसे करते 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 लास्ट में हमारा लास्ट में टी एन आ गया, टी एन, तो टी एन वैसे तो ये सब करने की जरूरत नहीं मेरे को, ये इसका भी शॉर्टकट तरीका है, कैसे डायरेक्टली एक लाइन में कैसे आंसर लिखेंगे तो बाद में बताऊंगा, पर पहले इस पर फोकस करो।
लास्ट में एन आ गया तो हमारा हो गया एन इंटू एन प्लस वन माइनस वन बाई एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, सबको ऐड कर दिया तो सबको ऐड किया तो एस एन हो गया। अब एस एन के बाद क्या होगा देखो भाई, अगले स्टेप ये हमारा एस एन हो गया, तो तुम ध्यान से देखो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, फिर ऐसे ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म अपने पिछले वाले से कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे कोई टर्म नहीं है तो ये टर्म बच जाएगा। समझ आ रहे क्या, ये टर्म बच गया और इसके पीछे भी कोई टर्म नहीं तो ये टर्म भी बच जाएगा, तो कौन कौन टर्म बच गया, एक तो वन बाई वन इंटू टू माइनस वन बाई एन प्लस वो इंटू एन प्लस टू, ठीक है, और वन बाई टू तो आई रहता कॉमन को उसको निकाल दो, तो ये डिफरेंस मैटर आई हो लोगों को सॉल्व करने के। अच्छा शॉर्टकट तरीका कैसे लगाओगे, शॉर्टकट इतना करने के बजाय बार बार ऐसे टी वन टी टू टी थ्री लिखने के बजाय तुम क्या करो, इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इसका एक लाइन अगर आंसर लिखना हो तो उसका तरीका ये होता है कि जैसे मैं तो टी आर लिखा, टी आर लिखने के बाद मैनिपुलेशन कर लिया ऐसे करके, जो भी मैनिपुलेशन करने के बाद अगले स्टेप पे क्या करो, जो आर वाई छोटा टर्म है जैसे यहाँ पे आर वाई छोटा है, यहाँ पे आर है, ये आर प्लस वन है, ऑफकोर्स ये ज्यादा ग्रेटर है और ये छोटा टर्म है, तो जो आर वाई छोटा है वहां पर तो क्या करो, वहां पर आर की जगह पर उस वाले टर्म में आर के पर वन रख दो। देखो एक लाइन आंसर कैसे लिखोगे, वन इंटू टू, और जो आर वाइज ग्रेटर टर्म है, ग्रेटर टर्म है उसमें आर के पर एन रख दो, तो अपने आप ही एक लाइन आंसर आता है, ये वाला आंसर कटपिट कर दो, ये शॉर्टकट तरीका सही है, मतलब शॉर्टकट तरीका समझ में आया तुम लोग को, क्या बोला भाई कि कभी भी अगर मुझे डिफरेंस मेथड लगाना तो डिफरेंस मेथड में एक लाइन में आंसर लिखना तो मुझे बार बार ये सब करने की जरूरत होगी, दिस स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड, ये तो समझाने के लिए मैं बताया बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। शॉर्टकट तरीके में क्या कर रहे हो तुम लोगों को कि जो आर वाइज छोटा टर्म है उसमें क्या करो, तो आर के पर वन रखो, और जो आर वाइज ग्रेटर टर्म है उसमें क्या रखो, उसमें आर के पर एन रखो, सही है, यहाँ तक समझ में आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो जी अब आते हैं उस तुम्हारे क्वेश्चन पे, जो हमने ये सीरीज वाला क्वेश्चन, अब मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है, मैंने सब कुछ क्लियर कर भी दिया हुआ है, अब ये हमारा प्रॉब्लम है, सही है, ये क्वेश्चन मुझे इवेल्युएट करना है टेन इनवर्स। अच्छा तुमको आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग ये सब फॉर्मूला आता है अच्छे से, ठीक है, देखो ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, हमें इवेल्युएट कर रहे हैं टेन इनवर्स कुछ भी, चाहे तो ये इवेल्युएट करो चाहे ये बात करा करो, वैसे तुमको पता ही है ये सब चीज, ये सब मैं मान के चलूंगा तुमको आता है, टेन इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, अगर एक्स मेरा पॉजिटिव है तो, अगर एक्स निगेटिव है तो फिर नहीं कर सकते, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो बहुत गड़बड़ है। अच्छा उसके पीछे भी कारण है वो सब तो मैंने तो बेसिक्स में मतलब डिस्कवर होता है, जैसे मान लो अगर निगेटिव होता दिस विल बी माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, अगर मेरा एक्स निगेटिव, अब तुम बोलोगे सर ये याद कैसे हो गया, तो वो सब याद रखने का टेक्निक है पूरा, तो मतलब बुक्स वगैरह बहुत फालतू दिया होता है, जैसे अब तुम से ये फॉर्मूले पढ़ने जाओगे इससे कहीं पर ये लिखा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वन, उसमें फॉर्मूला तो वैसे ये होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर एक फॉर्मूला होता है पाई माइनस साइन इनवर्स, अब साथ में कंडीशन भी होता है, कंडीशन भी ऐसा नहीं कि हर जगह पे यही लग जाए, फोरम से कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो बुक्स वगैरह बहुत फालतू लिखा होता है कि एक्स पॉजिटिव हो जाए वाई नेगेटिव हो जाए, ठीक है एक्स नेगेटिव हो गया वाई पॉजिटिव हो गया, तो वो सब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, उस टाइम इसका भी इसको भी याद रखने एक तरीका होता है टेक्निक होता है, वो फिर किसी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है अभी तो फिलहाल तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं क्यों ये बात एक्सप्लेन करूँ, कारण क्या है कि यहाँ पे जो टेन इनवर्स के साथ लिखा गया यहाँ पे जो एक्स, यहाँ पे मैं इसको एक्स बोल, इसको मैं एक्स बोल, इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स बोल, तो ये ऑफ कोर्स ये वन बाई एक्स होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लो किसी कोई क्वांटिटी मुझे दिया के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, ये मैंने तुम लोग को पढ़ा रखा है, अगर के स्क्वायर मतलब कोई क्वांटिटी मुझे दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका ए पॉजिटिव हो जाए और डी नेगेटिव हो जाए, अगर उसका ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है तो वो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई पॉजिटिव होता है, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है,
तो अगर ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, अगर एक्स हमेशा पॉजिटिव है, तो टैन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स लिखने में कोई बुराई नहीं है। इसीलिए चाहे तुम इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब हमें सब कुछ प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं किसी को क्लियर है तो बहुत कर पाए उसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। ठीक है, ठीक है, एनी वे चलो जी। हाँ, अब रही बात की क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या रहेगा, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा सीरीज वाला क्वेश्चन, तो उसमें मतलब 90% केस में तुम ये मान के चलो कि डिफरेंस मेथड लगा, पक्का 100% मतलब 100% तो नहीं बोलेंगे, मतलब उस टाइम कुछ और भी चीज लगाओ, मोर और लेस डिफरेंस मेथड से सॉल्व करो क्वेश्चन। डिफरेंस मेथड में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं एक बार फॉर्मूला रिकॉल करवाया था तुमने, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, उसका फॉर्मूला ये होता है tan inverse x minus y, ठीक है चलो, ये होता फॉर्मूला। और दूसरा एक और फॉर्मूला याद करो, साइन का भी फॉर्मूला याद करते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस हो जाए माइनस y माइनस x। ठीक है, तो ये दोनों हमें टेक्निक पता होनी चाहिए। अगर टेन में दिया हुआ हो तो तुमको देखो पैटर्न को पहचानो, पैटर्न कैसे पहचानोगे, पैटर्न पहचानने का तरीका क्या है कि टेन के फॉर्मूले में तुमको क्या करना है कि एक्स और वाई दो टर्म का डिफरेंस ऊपर में होना चाहिए, नीचे में वन होना चाहिए, वन होना चाहिए, वन प्लस, और जो जिन दोनों टर्म का ऊपर में डिफरेंस है उन्हीं का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा होना चाहिए। मतलब ऐसे ब्रेक अगर अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, बट डिफरेंस में भी ध्यान क्या रखना है कि मतलब साथ में ये भी ध्यान रखना है, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी कर दिया और हमारा काम बन जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब ये भी साथ में ध्यान रखना है। ये तो ब्रेक तो मेरे कहने का मतलब ये है, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई को तो हम ये लिख सकते ही हैं, इसको लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ में हमें डिफरेंस मेथड का भी ख्याल करना है। डिफरेंस मेथड ख्याल करने का मतलब है कि जो डिफरेंस जो आया जिन दो नंबरों का तुमने डिफरेंस लिखा है वो अगर ये अगर वी आर है तो इसको मतलब फोर्सफुली तुमको जैसे मर्जी वैसे करना है, ये वी आर प्लस वन बन जाए या वी आर माइनस वन बन जाए या कुछ भी बन जाए, ऐसे भी होना चाहिए। मतलब दो दो कंडीशन तुमको मैच कराना है, मतलब पहले तो इस फॉर्मेट में पहले लिखना है, ठीक है, पहले तो इस फॉर्मेट में लिखना है, इसको लिखने में बहुत बड़ा महाभारत है, फिर इसके बाद जब ब्रेक होकर के जब यहां तक पहुंचोगे तो ये वाला फॉर्मेट भी ये होना चाहिए, ये VR और VR माइनस वन या VR प्लस वन, ये फॉर्मेट भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोनों चीज सेटिस्फाई करवाने की वजह से ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझ आया? ओके सर, फाइनली क्वेश्चन अगर इजी होगा तो फिर तो बहुत आराम से बन जाएगा, अगर आसान क्वेश्चन है तो फिर तो बहुत जल्दी तुमको दिख जाएगा ये चीज, अगर क्वेश्चन आसान नहीं है टफ है तो फिर तुमको इतना आसानी से दिखेगा। आर एस जैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे को, सॉल्व हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन मेरा ये है वन से लेकर के एन तक, इसको एक्सप्लेन भी नहीं चलता, तुमने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है एस एन तुमसे पूछा है सिग्मा क्या था, के का वैल्यू वन से लेकर के एन तक, और साथ में तुमको दिया हुआ था टेन इनवर्स वन बाई, ये तो क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये था क्वेश्चन सही। ओके, अब तुम सोचो कि चलो अब क्या करते हैं, कि पहले तो हमने सोचा कि चलो इसको इस वाले फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं, तो जो मैंने तुमको बताया है मेरे टेक्निक को अगर फॉलो कर रहे हो तो तुमको प्रॉब्लम नहीं, पहले तो तुम ये सोचो कि क्या मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर पा रहा हूँ अल्फा में बीटा, वन प्लस अल्फा, तो पहला टर्म तो यहाँ पर मुझे वन दिख गया, चलो वन दिख गया, एक टू मिल गया, टू मिल गया, ठीक है, ओके, सिग्मा के बराबर वन से लेकर के एन तक, यहाँ पर तुमको तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमको जनरल टर्म दिया हुआ है, ये मैं तुमको बार बार बोला था जनरल टर्म तुमको दिया हुआ है, तो तुमको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो पहले हमने यहाँ पर ये वन बाय वन तो है ही, फिर इसको इसको क्या लिख सकते हो, इसको के इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, के इंटू के प्लस वन लिखने में कोई बुराई है क्या, आई होप इस बात से सारे बच्चे एग्री करते बिल्कुल, ठीक है। अपने आप देखो के स्क्वायर प्लस के को हम के इंटू के प्लस वन कर सकते हैं क्या, ठीक है चलो यहाँ तो काम बन गया, मतलब अब मेरा ये चीज तो फॉर्म हो गया अल्फा इंटू बीटा वन प्लस अल्फा इंटू बीटा फॉर्मेट आ गया,
लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि क्या इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिखा है क्या। तो बिल्कुल आंसर लगेगा यस, ए के बराबर वन से लेकर के एन तक, ये हो गया टेन इनवर्स होगा। टेन इनवर्स वन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, के प्लस वन माइनस ए, ठीक है जी, समझ में आ रहा है क्या। और ये हो गया वन प्लस के इंटू के प्लस, ठीक है। अब देखो सब कुछ मैच कर रहे हैं, तुम इसको कंपेयर कर सकते हो इसके साथ, बिल्कुल कर सकते हैं, सब कुछ मैच कर रहे हैं। अगर सब कुछ मैच कर रहा है तो एक स्टेप हमारा क्लोज आ गया हम क्वेश्चन का आंसर करने से। के बराबर वन से लेकर के एन तक हमारा टेन इनवर्स, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, क्या बन जाएगा एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। फिर अगला अगले स्टेप पे तुमको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमने ब्रेक किया है तो क्या वो वी आर और वी आर प्लस वन के फॉर्मेट में आ रहे क्या, अगर तो आंसर मिलेगा यस। यहाँ भी देखो ध्यान से, तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे टर्म को यहाँ पे के टर्म्स में, तो वी के अगर बोलू वी के, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या ये वी के माइनस वन नहीं होगा। अब देखो सब कुछ मैच कर गया, बिल्कुल परफेक्ट है, डिफरेंस मेथड भी क्लियर है। तो अब मैं इसका आंसर सिग्मा लगाओ, सिग्मा तो सम निकालना है, सम निकालने का एक लाइन में आंसर लिखने का तरीका तुम लोगों को सिखा रखा है। क्या सिखाया था, एक लाइन में आंसर कैसे लिखे फटाफट से, एस एन बराबर हो जाएगा, क्या करोगे भाई जल्दी जल्दी बताओ, टेन इनवर्स जो के वाइज ग्रेटर है उसमें के की जगह पर क्या रख दो एन रख दो, टेन इनवर्स एन प्लस वन, और जो के वाइज छोटा है उसमें के की जगह पर क्या रख दो वन रख दो, तो टेन इनवर्स। तो यहाँ से फाइनली हमारा आंसर हो गया टेन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स वन कितना था, फाइव फोर, ठीक है भाई। आप मुझे बताओ कितने बच्चों के लिए चीज, कितने बच्चों को समझ में आएगा या कुछ भी समझ में आएगा, यस चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, अच्छा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अच्छा यहीं पर अगर मान लो, अच्छा तुम चाहो तो जैसे इस यहाँ पे सॉल्यूशन में तुमको दे रखा है, वैसे तो तुम मैंने क्या किया टेन इनवर्स वन को फाइव बाई फोर की लिख के छोड़ दिया, इसको टेन इनवर्स वन फाइव बाई फोर होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसने क्या किया हुआ कि इसको दोबारा से फिर से दोनों को मिला दिया, फिर से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, तो वो भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट लगेगा, क्या एनी वेज। अच्छा मान लो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, मान लो अगर मैं तुमसे ये पूछता कि क्वेश्चन मेरा ये होता, मैं इसको कर देता इन्फिनिटी, तो क्या होता आंसर, तो वन से लेकर के इन्फिनिटी तक मेरे को जाना, तो क्या होता आंसर। तो देखो करने का प्रोसीजर हमारा यही होता बिल्कुल एज इट इज, अब यहाँ पे आ जाओ वापिस, हाँ ऐसे मेरा ये रहा, हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे मेरा ये रहा, अब मुझे कहाँ तक आंसर निकालना, इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब कि ये वाला जो टर्म है एन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो इन्फिनिटी मतलब बहुत लार्ज नंबर, 50 लाख करोड़, उसमें एक ऐड कर दिया तो 50 लाख करोड़ प्लस वन, 50 लाख करोड़ एक हो गया वो, 50 लाख करोड़ एक भी बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि एन प्लस वन भी कहा जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ये पूरा एक्सप्रेशन भी कहा जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। अब हम जानते हैं कि टेन इनवर्स जो होता है इन्फिनिटी, अब तुम याद करो ग्राफ याद है, आप मैंने पढ़ा रखा है तुमने ऑलरेडी, सब कुछ करवा दिया होगा क्लास में, टेन इनवर्स ग्राफ ऐसे होता है, ये होता है पाई बाई टू वाली लाइन होती है और ये होता है माइनस पाई बाई टू, सही। तो अगर हमारा टेन का आर्ग्यूमेंट मतलब एक्स अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ग्राफ कैसे चलोगे, ऐसे 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 ऐसे, सही है भाई। तो अगर ग्राफ पैसे चल रहे हो तो इसकी टेंडेंसी किस नंबर की तरफ जाने की है, पाई बाई टू की तरफ जाने की, तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है कहाँ चला गया, एन को अगर इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओ तो ये कहाँ जाए, पाई बाई टू की तरफ जाएगा, तो पाई बाई टू माइनस पाई फोर आपसे कितना होगा, तो एस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा आंसर, पाई फोर हो जाएगा, समझ में आया क्या, बोलो भाई जल्दी जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रहा है क्या, एम आई राइट, यस सर, बच्चे को ओके चलो जी बहुत बढ़िया, ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा, सर हाँ जी बोलो सर, जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें जो सेकंड लास्ट स्टेप है वो एक और बार एक्सप्लेन कर दो, इसी क्वेश्चन में सेकंड लास्ट स्टेप, चलो यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, ये वाला स्टेप हाँ देखो सर, एक्चुअली क्या हुआ यहाँ, सर टेन इनवर्स एन प्लस वन वाला, अच्छा ये वाला देखो,
होता क्या है कि कभी भी जैसे मान लो तुम क्या करते हो ना, जैसे टी आर बराबर ये किया तुम बी आर माइनस बी आर माइनस वन बी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब सम लिख रहा हो एक लाइन में तो क्या करो, जहां पे आर आर वाई जो ग्रेटर हो तो उस वाले एक्सप्रेशन में क्या करो, आर के ऊपर एन रख दो, तो यहाँ पे एन रख दिया, और जो आर वाई छोटा हो उसमें आर के ऊपर वन रख दो, वन में से वन का चीज, तो यहाँ भी वही काम किया हमने। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि के इसको मैं बी के बोल रहा हूँ, बी के बी सबस्क्रिप्ट के, और इसको बोल रहा हूँ मैं बी के माइनस वन, तो जो के वाई जो छोटा टर्म है, तो के वाई छोटा टर्म कौन है, ऑफ कोर्स ये के माइनस वन होगा क्योंकि ये तो के है, ये के से एक कम है, तो के माइनस वन जो के वाई छोटा टर्म है वहां पर तो क्या करो के जगह पर वन रख, ये शॉर्टकट है, लिखने का तरीका है। और जो के वाई ग्रेटर है वहां पर के जगह पर क्या रखो, तो अपर लिमिट को रखो, एन को रखो। तो जब तुम यहाँ पर के जगह पर एन रखोगे तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एन प्लस वन बन जाएगा, और जब यहाँ पर के जगह पर वन रखोगे तो टेन इनवर्स वन बन जाएगा। आप शॉर्टकट आओ उसमें। यस सर, थैंक यू सर, समझ आएगा। ओके ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अगर वैसे अगर तुमको नहीं समझ में आता तुम तो फिर तुम वही बच्चों की तरह करो, टी वन लिखो पहले, टी वन लिखा फिर टी टू लिखा, और तुमको ये शॉर्टकट समझने में दिक्कत है तो मैं तुम्हारे लिए रिकमेंड करूंगा, तो ऐसा ना हो कि हम ज्यादा मतलब स्मार्ट बनने के चक्कर में आंसर गलत कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस है, समझ में आ रहा है तो फिर तो डायरेक्टली आंसर लिखो, मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहता है। अगर प्रैक्टिस नहीं है, इफ यू आर कंफ्यूजिंग, मतलब अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो तो कि हाँ भाई कैसे होता था, एन एन होता था कि वन होता था, तो फिर तो मैं तुमको यही रिकमेंड करूंगा कि टी वन लिखो, टी टू लिखो, टी थ्री लिखो, जो सिखा रखा है दोनों टेक्निक मैंने सिखा दिए, फिर टी एन लिखो। जब सब कुछ लिख लोगे तो तुमको ये दिखाई पड़ेगा लास्ट में कि कुछ टर्म अपने आप कैंसिल वैंसिल होगा, कैंसिल कट पिट करके फिर लास्ट में यही आ जाएगा जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पर, तो ऐसे करने से तुम कभी गलती नहीं करोगे, तुम्हारा टाइम एक मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएगा बट गलती नहीं होगी तुमसे। हाँ अगर तुमको समझ में आ गया है, प्रैक्टिस हो गई है, तुम डायरेक्टली आंसर लिखो, फिर तो तुम्हें ये सब इतना सोचने की जरूरत ही नहीं आगे समझ में। चलो जी अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये था हमारा, ये तो सॉल्व भी हो ही गया। अच्छा फिर ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, ये वाला क्वेश्चन, सम इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 से इनफिनिटी और tan इनवर्स 2k अपॉन 2 + k² + k4, ठीक है। अच्छा इसमें इनफिनिटी दी होगी, तो इसमें ऑफ कोर्स इनफिनिटी होना भी चाहिए, तो यहाँ पर तुम क्या करो, तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हो। देखो ये हमारा क्वेश्चन, सिग्मा k का वैल्यू 1 से लेकर के आते गया इनफिनिटी तक, और यहाँ पे तुमको 2k अपॉन 1 + k² + k4 1 था कि 2 था, ये देखो चेक, ओ सॉरी 2 था, ओके चलो जी कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन उठेगा कि देखो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, एक तो तुम्हें पहले ये फॉर्मेट बनाना है, अल्फा माइनस बीटा वन प्लस अल्फा बीटा, सही। तो किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, उसने क्या किया कि चलो ऐसे कर दिया, वन बनाना है तो उसने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, चलो वन प्लस के स्क्वायर प्लस के फोर ऐसे लिख दो, ठीक है। चलो वन तो अलग हो गया, यहाँ पे वन सेपरेट हो गया, इस टू को उसने ऐसे लिख दिया। अब उसने बोला कि क्या ये दो नंबर का प्रोडक्ट है क्या, तो और जिन दो नंबर मतलब ये दो नंबर का प्रोडक्ट भी होना चाहिए, मतलब अल्फा इंटू बीटा भी होना चाहिए, और उन दोनों का डिफरेंस यहाँ ये टू के बराबर भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर तुम सोच करके देखो, यहाँ पर करना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं होगा, तो खैर कोई बात नहीं, अगर तुमको टेक्निक पता है मैथ्स में, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम और अच्छा खासा प्रॉब्लम है। देखो पूरे मैथ्स में कहीं भी तुमको ये दिखाई पड़ जाए, क्या दिखाई पड़ जाए, के फोर के स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, पूरे मैथ्स में, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी चैप्टर की बात करो, पूरे मैथ्स में अगर तुमको ये दिखाई पड़ जाए तो इसका मैनिपुलेशन हमें ये आना चाहिए। कैसे करोगे मैनिपुलेट, उसका मैनिपुलेट करने का तरीका क्या होता है, देखो के फोर यहाँ पर के स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया अपने मन से के स्क्वायर ऐड किया, अपने मन से ऐड किया तो कंपनसेट करने के लिए मैंने क्या सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, और प्लस वन, ठीक है। यहाँ से देखते ये बन गया के फोर प्लस टू के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस वन, फिर मैंने क्या किया इसको ऐसे टर्म को रीअरेंज किया, टू के स्क्वायर प्लस वन किया और माइनस के स्क्वायर, ठीक है, ये मैनिपुलेशन भी याद करना है तुम लोगों को, ठीक है। चलो जी अब उसके बाद क्या हुआ कि इसको इसको इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, के स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, सही, और माइनस के स्क्वायर, ठीक है।
अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस वन प्लस बी और इंटू के स्क्वायर प्लस वन माइनस के ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो ये जो मैनिपुलेशन है ना ये हमें याद रखना है, ये पूरे मैथ्स में यूज करना है इसको अच्छे से, ठीक है समझ में आ गया। ओके चलो, अब मैंने सोचा कि चलो ऐसे लिखना अलाउड है, ठीक है। तो हमारा जो वो था हमारा सिग्मा के बराबर वन से इंफिनिटी, हमारा टेन इनवर्स ये बन गया टू के वन प्लस, इसको ऐसे लिखिए के स्क्वायर प्लस वन प्लस के, इसको दो टर्म के प्रोडक्ट में लिख लिया के स्क्वायर प्लस वन माइनस के, तो दो टर्म के प्रोडक्ट में लिखना पॉसिबल हो गया। फिर अगला क्वेश्चन उठेगा कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, मतलब अगर मैं इसको अल्फा बोल देता हूँ अल्फा और इसको मैं बीटा बोल देता हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या ऊपर में लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखोगे तुमको समझ में आ गया होगा। चलो मैं लिख के देखा तो जिन बच्चों को वैसे समझ में नहीं, के बराबर वन से इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया हमारा टैन इनवर्स, सही है। ध्यान से देखो के स्क्वायर ऊपर मैंने लिखा के स्क्वायर प्लस वन प्लस के, ये अल्फा होगा माइनस के स्क्वायर प्लस वन माइनस के, ठीक है ध्यान से देखो, बाकी ये तो है ही है, तो के स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर वन माइनस के। अब तुम एक बात बताओ कि जब मैं सब्ट्रैक्शन लगाऊंगा तो ये के स्क्वायर प्लस वन और के स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे के और ये माइनस माइनस प्लस के, तो के और के कितना हो गया टू के, ऑफकोर्स दोनों का डिफरेंस भी आ गया। अगर दोनों का डिफरेंस आ गया तो फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ से सब कुछ फिट बैठ गया हमारा। अभी तुम बोलोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे सोच पाएंगे? तो वो तुम तभी सोच पाओगे जब तुमने प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगाओगे मैथ्स में तो ही जाके इतना सोच पाओगे। तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स अल्फा माइनस टेन इनवर्स बीटा। ओके चलो सब कुछ मैच कर गया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, चलो भाई ब्रेक कर दिया, के बराबर वन से लेकर के इनफिनिटी जो हो गया हमारा टेन इनवर्स, इसको ब्रेक करो तो पहला टर्म में क्या आएगा भाई के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, ठीक है माइनस टेन इनवर्स के स्क्वायर माइनस के प्लस सी। ओके बहुत बढ़िया, क्या तो समझ आ रहा है। अब ऐसे डिफरेंस में तो लिख दिया, फिर क्या अगला क्वेश्चन फिर वही उठेगा, अगला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये उठना चाहिए कि अगर मैं एक को वी के बोल रहा हूँ तो दूसरा वी के माइनस वन बनना चाहिए या वी के प्लस वन बनना चाहिए, क्या ऐसा हो पा रहा है? तो वो भी तरफ करके दिखाया था, देखो ध्यान से, यहाँ से के बराबर वन होगा इन्फिनिटी, ये टेन इनवर्स इसको मैंने ऐसे लिखे, इन दोनों में कॉमन निकाल दिया तो ये बन गया तुम्हारा के इंटू के प्लस वन, सही है, और ये प्लस वन माइनस, इसको क्या मैं ऐसे लिख के कॉमन निकालो तो क्या बनेगा, ये के माइनस वन इंटू के, ऐसे लिखने में कोई बुराई है क्या? मतलब के स्क्वायर माइनस के माइनस वन इंटू के लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो उनको क्लिक कर गया होगा, क्या क्लिक कर रहा है? अगर मैं इसको वी के बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर इस पूरे टॉप को मैं वी के बोल रहा हूँ, वी के इसी के जगह पर के माइनस वन डाल दूँ तो अपने आप ये टर्म आ जाएगा, तो अगर ये वी के है तो ये अपने आप ही क्या बन गया वी के, सारा सब कुछ मैच करेगा, डिफरेंस बैठा डिफरेंस बैठा फिट बैठ गया। तो अगर nth, हाँ अगर मुझे n टर्म का सम निकालना है, मतलब sn, पहले मैं sn निकालता हूँ फिर बाद में इनफिनिटी तक जाए, तो अगर मुझे sn निकालना हो तो sn का फॉर मतलब क्या होगा आंसर? क्या सिखाया था कि k वाइज जो ग्रेटर हो उसमें k की जगह पर क्या रहा, तो n रहा, तो ये हो गया हाँ tan इनवर्स n into n plus 1, सही है, और ये प्लस वन, और जो के वाई छोटा टर्म हो उसमें के की जगह पर क्या रख दो, वन रख दो, तो वन में से बन गया जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग विद जीरो, तो जीरो प्लस वन हो गया टेन इनवर्स वन, कैसे बन गया यस। तो टेन इनवर्स वन कितना होता है, पाई बाई फोर, जानते हो। अच्छा अब मुझे इन्फिनिटी की तरफ लेके जाना है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर ये इन्फिनिटी जा रहा है तो ये पूरा क्वांटिटी भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी अभी पीछे प्रूफ करके लिखा ये कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर आंसर कितना हो गया, इसका भी आंसर बाई डिफॉल्ट हो गया, इसमें तो अच्छी बात, तो इतना करने के बाद सही है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ओके फाइन, तो आप यहाँ से फालतू वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ये सब सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। अगर तुमने मेरे लेक्चर को ध्यान से फॉलो किया है तो यू नीड नॉट टू बी वरी, बाकी ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, ये सब स्टेप्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तुम एक लाइन आंसर लिख सकते हो और फाइनली तुम्हारा यहाँ से आंसर ले, सही है। खैर एनीवेज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, और हमारा टाइम भी हो गया, तो ठीक है फिर, बाकी आप लोग क्या करो क्वेश्चन रखो, कॉन्टेक्ट करके यहाँ से लगा सकते हो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू।